हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तैयार हैं आज के मैराथन सेशन के लिए? जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज कंप्लीट इंडियन पैनल कोड पे। जी, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि बहुत दूर हम लोगों को चलना है आज। मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपरली पहुंच रही होगी तो एक बार कंफर्म करें कि दैट आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल। संदीप जी वेरी गुड, ग्रेट मॉर्निंग। जीवन जी गुड मॉर्निंग। अंशिका जी, नीतीश जी गुड मॉर्निंग। चैटर्जी जी गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला, आज इस सफ़र में बहुत मज़ा आने वाला है। वेरी गुड। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग आज के अध्याय को शुरू करें। तैयार हैं आप लोग? एक बार आप लोग फटाफट, बस आप लोग जिस भी ग्रुप से जुड़े हो ना, जिस भी ग्रुप से जुड़े हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। आपको केस लॉ, आपको एक एक बात समझ में आएगा आज के सेशन से। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हो शेयर कर दीजिए फटाफट। क्लास हम लोग दो मिनट में शुरू करने वाले हैं, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा आज में। आज आईपीसी का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग करने वाले हैं, तो ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे और शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग निहार रंजन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। रुचिका जी, तो चलिए तैयार हैं आप लोग? एक बार फटाफट ठोक दो ताली सी बात पे, आपके ताली के गड़गड़ाहट से शुरू करेंगे आज का सेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कंटिन्यू विद आज के सेशन को शुरू करें उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये। देखो, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक बैच शुरू हुआ है एमपी के लिए। आप इस बैच को प्रिफर कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपी जुडिशरी। और देखो, अनअकैडमी पे मेरा लाइव क्लास होता है, अनअकैडमी पे मेरा लाइव स्पेशल क्लास होता है जो कि फ्री है। आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा मेरे स्पेशल क्लास को करने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो आपको मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक दिखेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टाइमिंग जो है क्लास का वो सुबह 10:30 बजे से शुरू हो जाता है लाइव सेशन। कोड अप्लाई कीजिएगा, लॉ इज लाइफ। कोड याद रखिए, कोड क्या है? कोड है लॉ इज लाइफ, राइट? कोड को मत भूलिएगा, कोड है लॉ इज लाइफ। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यहां पे आता है नंबर ऑफ बैचेस अवेलेबल ऑन अकेडमी, जहां पे आप अपने कंप्लीट प्रिपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको हर सब्जेक्ट पे बैच मिलेगा। अगर आपको लैंग्वेज पेपर पे बैच नहीं है कहीं, तो यहाँ पे है लैंग्वेज पेपर पे बैच अवेलेबल। माइनर के लिए अलग है, मेजर पेपर के लिए अलग से हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। तो बैचेस आर, नंबर ऑफ बैचेस आर अवेलेबल, और एक के सब्सक्रिप्शन पे आपको सारे का एक्सेस मिल जाता है। और कोड तो आपको पता ही है कि कोड क्या है, कोड है लॉ इज लाइफ। तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है 10% का। और यहाँ जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ना, मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसके थ्रू क्या होता है, आपको क्या क्या बेनिफिट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू मिलती है, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां सबसे पहले आपको मिलता है डाउट, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, राइट, प्रॉपर गाइडेंस, मेन फोकस आंसर टेस्ट सीरीज पे, और प्लस का सारा बेनिफिट आपको मिल जाता है इसमें। आगे बढ़ते हैं, और ये होता है प्लस का प्राइसिंग प्लान। प्लस का प्राइसिंग प्लान आपके स्क्रीन के ऊपर है, जहां पे आप एक मंथ से लेके 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन को एविल कर सकते हैं। आप कोई भी प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, आप कोई भी प्लान आप सेलेक्ट करोगे, आपको किसी भी प्लान पे आपको कोड अप्लाई करना लॉ इज लाइफ, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आते हैं, शुरू करते हैं आज के सेशन को। तैयार हैं आप लोग? एक बार ठोक दो ताली यार इसी बात पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिलीप यादव जी गुड मॉर्निंग। खुशबू जी, उम्मीद तो है कि पूरा खींच लेंगे, राइट, बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा। एक बार फटाफट ठोक दो ताली और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, हम लोग अब शुरू करते हैं, राइट। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग बात, अब देखो
एक बात हम आपको बता देते हैं, क्लास शुरू करने से पहले एक बात कि अगर आपका कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ते चलिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को अटेंड करते रहेंगे, डोंट वरी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक बातों को बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो उसके इतिहास पे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडियन पिनल कोड का। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर बात करें सबसे पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। देखिए आपको पता है ना कि चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट बना 1833 में। इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग पहला लॉ कमीशन गठित किया गया, और इस लॉ कमीशन में ना टोटल 4 मेंबर थे, लॉर्ड मैकाले, मिंटो, एंडरसन, मिलेट। और इस लॉ कमीशन के जो हेड थे वो थे, हेड कह लो या चेयरमैन कह लो, वो थे लॉर्ड मैकाले। और इन्होंने ही बिल ड्राफ्ट किया था इंडियन पिनल कोड का। और ये आईपीसी जनरली आपको पता है कि ये पास, मतलब कि ये इनेक्ट हुआ दोनों हाउस से पास होके 6 अक्टूबर 1862, और ये लागू हो गया है पूरे भारत में 1 जनवरी 1862 से। डेट ऑफ इनेक्टमेंट कब बना, तो 6 अक्टूबर 1860, और ये लागू कब से हो गया है, तो 1 जनवरी 1862 से लागू हो गया है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको जान ही लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें कि किस चार्टर के अकॉर्डिंग लॉ कमीशन गठित हुआ, उस लॉ कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे, उसके हेड कौन थे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री समझने के बाद जब भी आप आईपीसी को पढ़ रहे हो ना, अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी गौर किया कि पूरे आईपीसी में ना, पूरे आईपीसी को देख लो तो नोवेयर मेंशन दी टर्म क्राइम, क्राइम को कहीं पे भी यूज नहीं किया गया है, शब्द इस्तेमाल हुआ है ऑफेंस, राइट। शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है, ऑफेंस। तो ऑफेंस और क्राइम के बीच में ना फर्क है, ऑफेंस और क्राइम के बीच में फर्क है। अब इसको थोड़ा सा बताते हैं कि क्राइम जो होता है ना, तो क्राइम के अंतर्गत हम बात करें तो इट इंक्लूड्स बोथ रॉन्ग, राइट। सिविल, माफ कीजिएगा, क्राइम के अंतर्गत सिर्फ क्रिमिनल रॉन्ग ही इंक्लूड होते हैं, सिर्फ क्रिमिनल रॉन्ग्स ही आते हैं, राइट। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें ऑफेंस की तरफ, तो ऑफेंस में ना, ऑफेंस में सिविल रॉन्ग भी होता है इंक्लूड और क्रिमिनल रॉन्ग भी इंक्लूड होता है, राइट। सिविल क्रिमिनल दोनों होता है। इसलिए आप देखते हो ना कि जब आपसे एमसीक्यू में सवाल पूछता है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो किस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में है, प्राइवेट रॉन्ग्स के रिस्पेक्ट में या पब्लिक रॉन्ग्स के रिस्पेक्ट में है, तो आप लोग चूज करते हो प्राइवेट रॉन्ग्स। तो ऑफेंस सिविल भी हो सकता है, क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग दोनों होता है ऑफेंस। लेकिन जब हम शब्द क्राइम यूज करेंगे तो इट ओनली इंक्लूड्स क्रिमिनल रॉन्ग, राइट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट ओनली। इसलिए ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 40 में, क्राइम का तो जिक्र ही नहीं किया गया, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो बेसिक बात हो गया। और जब बात करते हैं कि क्राइम या अपराध का जो नेचर डेफिनेशन है वो क्या है, बेसिकली आपको क्या बताता है आईपीसी, आईपीसी के बारे में जो आप पढ़ रहे हो, तो आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है, क्या है, एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ कहने का तात्पर्य क्या हुआ, सब्सटैंटिव लॉ कहने का मतलब हुआ ये आपको बताता है बस इतना ही कि आपके द्वारा किया गया कौन सा कार्य अपराध है और उसका क्या पनिशमेंट है, बस इतना ही बताता है वो। लेकिन आपने जो अपराध कर दिया है उसका पनिशमेंट कैसे मिलेगा आपको, ये आपको प्रोसीड्यूरल लॉ बताता है, दैट इज सीआरपीसी। एक बात, दूसरी बात हम आपको बता दिए कि क्राइम और ऑफेंस के बीच में फर्क है। और अगर बात डेफिनेशन का करें तो सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो आईपीसी में यूज हुआ है, दैट इज कि वाट एवर एक्ट यू हैव डन या वाट एवर यू ओमिटेड, जो कि प्रोहिबिटेड था बाय लॉ या प्रोहिबिटेड है बाय सोसाइटी, दैट इज एन ऑफेंस, और ये सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब तो आपको पता ही है। वहीं दूसरी ओर चलते हैं कि बात अगर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का करें तो अपराध होने के लिए मुख्यतः कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। ऑल ऑफ यू नो
दैट देर आर फोर एलिमेंट्स, जिसमें एक मानव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग, उसके बाद उस ह्यूमन बीइंग का मेंस रिया होना चाहिए। जब बात मेंस रिया का करेंगे तो कौन सा आपको मैक्सिम याद आता है, दैट इज एक्टस नॉन फैसिट, राइट, रेयम निसी मेंस सिट रिया, है ना। एक व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं हो सकता है जब तक उसका कि मन अपराधिक ना हो, है ना। उसके उस पे उस एक्टस रेयस पे उस मेंस रिया पे एक्टस रेयस होना जरूरी है, दैट इज कि एक्ट होना जरूरी है इन फर्दरेंस ऑफ सच इविल इंटेंस, और उससे इंजुरी होनी जरूरी है। लेकिन आपको बता दें, जब आप आईपीसी पढ़ोगे ना, जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो वहां मेंस रिया का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि आईपीसी में ऐसे भी अपराध है जो विद इंटेंशन हो रहे हैं, विदाउट इंटेंशन भी हो रहे हैं। ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो, ये जो एलिमेंट्स आपने देखा कि इंपॉर्टेंट होता किसी भी अपराध के होने के लिए, जिसमें एक ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया उसका, एक्टस रेयस इंजुरी होना चाहिए, ऐसा इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आईपीसी में इंजुरी नहीं भी होगा तो भी अपराध हो जाता है, जैसे कि अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कंस्पिरेसी। इंजुरी किसी को नहीं भी होता तो भी अपराध है। मेंस रिया जरूरी नहीं है हर अपराध के लिए आईपीसी में, जैसे किडनैपिंग हो गया, जैसे एबडक्शन हो गया, जैसे कि मर्डर हो गया, वहां मेंस रिया नहीं भी है तो भी गठित हो जाता है अपराध, राइट। तो आईपीसी में इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, ये याद रखिएगा। उसके लेकिन इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स चार है। देन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम है जो आपको पढ़ना पड़ेगा जब भी आप आईपीसी पढ़ोगे, तो वो है पहला एक्टस नॉन फेसिट रेयम निसी मेंसिट रिया, कि जब आपका मन अपराधिक नहीं होगा तब तक आप अपराधी नहीं माने जाओगे, राइट। और यही चीज को आप देखते हो एक साथ अंडर सेक्शन 76-79, राइट, जो भी कह लो, जहां पे आप अगर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो तो आप एक्सक्यूज हो जाते हो, राइट। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, कुछ इंपॉर्टेंट मैक्सिम जो आपको पढ़ने हैं आईपीसी जब आप पढ़ोगे, तो एक्टस नॉन फेसिट रेयम निसी मेंसिट रिया, तो वो तो घसा पिटा है, आपको पता है। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम और है जो कहता है एक्टस मी इनविटो फैक्टस, क्या कहता है, एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स एक्टस, मतलब एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं माना जाएगा। अगर हम आपको जबरदस्ती कोई काम कराएंगे तो माना जाएगा कि आपने वो कार्य नहीं किया, उस कार्य को हमने किया है। लेकिन ये जो मैक्सिम है ना, ये मैक्सिम आपको पढ़ना पड़ता है जब आप सेक्शन 94 को पढ़ोगे, तो वहां पे है ना कि एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, अगर आपसे जोर जबरदस्ती कोई काम कराया गया है तो आपको उस काम का जिम्मेवारी आप पे नहीं आएगा। लेकिन इसका भी अपवाद है, राइट, इसका ना एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है क्या, ये जो मैक्सिम है ये एप्लीकेबल नहीं होता मर्डर के केस में और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध जो होता है और जिसका सजा डेथ सेंटेंस है ना, जिसका सजा डेथ सेंटेंस है, वैसे अपराधों पे लागू नहीं होता ये मैक्सिम। मतलब कि अगर आपसे कोई जबरदस्ती किसी का खून करा दिया गया है और आप कर दिए हैं जोर जबरदस्ती, मान लीजिए कि ए ने, इस मैक्सिम को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिम, अगर मान लेते हैं ए है और ए क्या बोलता है बी को जाके कि तुम्हारी वाइफ जो है ना, बी की जो पत्नी है वो ए के पास है, अगर बी ने सी को नहीं मारा, मतलब सी का डेथ काउज नहीं किया, सी का डेथ काउज अगर बी नहीं करता है तो ए कह रहा है कि वो उसकी वाइफ को मार देगा, है ना। तो अब यहां पे अगर बी अंडर कंपल्सन भी सी का डेथ काउज किया, मतलब कि वो मर्डर अगर सी का किया, तो लायबिलिटी ए को तो आएगा ही ए पे, क्योंकि वो अबेटर है, उकसा रहा है बी को, लेकिन बी जो एक्चुअल में अपराध किया है वो भी बचेगा नहीं, वो भी जिम्मेवार होगा सी के खून का, राइट। वो डिफेंस नहीं ले सकता है कि वो अंडर कंपल्सन एक्ट किया है, क्योंकि ये जो एक्टस नॉन फेसिट का कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 94 में आप देख रहे हो आईपीसी, ये एप्लीकेबल नहीं है दो सिचुएशन में, अगर अपराध मर्डर है या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है जिसका सजा डेथ सेंटेंस है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं,
उसके सबसे उसके बाद आता तीसरा मैक्सिम जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ननलम क्रिमेंस साइन लेगी, ननला पियोना साइन लेगी। दैट इज कि कुछ कुछ ऐसे अपराध भी होते हैं जो जो कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें इसका, अगर हम बात करेंगे एबडक्शन का, राइट, अगर हम बात करें एबडक्शन का, कुछ ऐसे भी अपराध है जो खुद में पनिशेबल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे अपराध जो खुद में पनिशेबल नहीं है, वो तब तक जब तक वो दूसरे अपराध के साथ कंबाइंड नहीं हो जाएगा, जब तक वो दूसरे ऑफेंस के साथ नहीं जुड़ेगा ना, तब तक वो पनिशेबल है ही नहीं। तो आईपीसी में दो टाइप के अपराध के बारे में बात किया गया है। फर्स्ट वन इज दैट कि जो एक्ट खुद में अपराध है, जो अपराध खुद में पनिशेबल है, और दूसरा कि कुछ ऐसे भी अपराध दिए गए हैं जो कार्य खुद में अपराध नहीं है और जो अपराध खुद में पनिशेबल नहीं है, वो जब तक दूसरे अपराध के साथ मिल ना जाए। तो ये इंपॉर्टेंट तीन मैक्सिम है जो आपको याद रखना होता है जब भी आप आईपीसी पढ़ोगे। तो देन उसके आगे बढ़ते हैं, और वैसे आगे बढ़ने से पहले ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप बात करते हो कि क्या अंतर है। टॉपिक नंबर नेक्स्ट इज दैट डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव, मोटिव और इंटेंशन के बीच में क्या अंतर होता है, क्या मोटिव और इंटेंशन एक ही चीज है क्या? जी नहीं, एक चीज नहीं है। देखिए जब बात इंटेंशन का करते हैं तो इंटेंशन जो है ना वो क्या है, वो अपराध का प्रायर ऑब्जेक्ट है, मतलब, और यहाँ पे मोटिव के बारे में बोल रहा है कि वे अल्टीरियर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाएं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाएं, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है, राइट। अब ए को प्यार हो गया है ना, ए को हो गया है प्यार, किससे प्यार हो गया भाई, तो बी की सिस्टर से, बीज सिस्टर, बी की बहन से प्यार हो गया है, सी से, ए को बी की बहन से प्यार हो गया। अब देखो तो हुआ क्या, जब इन दोनों के लव के बारे में इस बी को पता चला तो इसको गुस्सा आ गया बी को, और बी क्या किया, ए को पब्लिक में जाके थप्पड़ मार दिया और बोल दिया कि मेरी बहन से दूर रहो, है ना। अब देखो हुआ क्या, इस बात से ए बहुत गुस्सा में आ गया, ए गुस्सा में आ गया, अब ए टारगेट बना लिया कि हम तो बी को मारेंगे, है ना। पहला नंबर पॉइंट देखो यहां पे, पहला नंबर पॉइंट हम आपसे अगर ये पूछे कि ए का जो गुस्सा है, ए का गुस्सा, किसी को भी गुस्सा आएगा ना, ए का गुस्सा आना बी को मारने के लिए, वो क्या है, फॉर काउजिंग बीज डेथ, फॉर काउजिंग बीज डेथ, बी को मारने के लिए गुस्सा आना, ये ए का क्या है, ये ए का इंटेंशन है, राइट। और दूसरी बात अगर आप आगे बढ़ते हैं और ये देखो कि वो ए बी को मारना क्यों चाहता है, तो रिवेंज लेना है, उसको बदला लेना है अपने बेज्जती का, है ना, अपने बेज्जती का उसको बदला लेना है। तो इंटेंशन पहले आया ना कि बी को मारना है, उसके बाद मारना क्यों है, तो बदला लेने के लिए। तो इसलिए यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटेंशन होता है ना वो क्या होता है, इंटेंशन होता है प्रायर ऑब्जेक्ट अपराध का, लेकिन मोटिव जो होता है वो अपराध का अल्टीरियर ऑब्जेक्ट होता है, राइट। देन आप देखते हो इंटेंशन वन ऑफ द एलिमेंट है, इंटेंशन क्या है, अपराध का एक एलिमेंट है, लेकिन मोटिव जो है ना वो एलिमेंट नहीं है अपराध का, और इंटेंशन पहला स्टेज होता है अपराध का, मोटिव तो स्टेज ही नहीं होता है अपराध का, मोटिव। और एक पॉइंट आप दे दो, ये कॉमन पॉइंट है कि एविडेंस आप इंटेंशन का भी देते हो और मोटिव का भी देते हो, राइट, लेकिन जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हो ना, जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो वहां आप देखना, आप इंटेंशन का एविडेंस देते हैं अंडर सेक्शन 14, राइट, लेकिन जब आप मोटिव के बारे में पढ़ते हो तो आप एविडेंस देते हो अंडर सेक्शन 8, है ना। चलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो मजा आया ना दोनों के बीच फर्क समझ के, इंटेंशन और मोटिव के बीच में क्या अंतर होता है। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखो यहाँ क्या है कि मेंसरिया का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, मेंसरिया का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो ये केस था आर वर्सेस ऑल्डे का, इसी केस में इवॉल्व हुआ था, इसी केस में इवॉल्व हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया। मेंस रिया का कॉन्सेप्ट इसी केस में इवॉल्व हुआ है, आर वर्सेस ऑल्डे का केस में, राइट। आगे बढ़ते हैं, और जब बात हम करेंगे ना कि हमको समझना है कि मेंस रिया तो समझ में आ गया, किस केस में इवॉल्व हुआ ये समझ में आ गया, तो उससे जुड़े केसेस के बारे में अगर बात करें तो ये तीन केस आपको देखना पड़ता है एपीसी में। पहला केस है आर वर्सेस प्रिंस का, क्वीन वर्सेस टोलसन का, और तीसरा है सेरस वर्सेस डी रूटजन का। अब देखो एक एक करके हम बताएं आपको कि पहला दो जो केस है आर वर्सेस प्रिंस और क्वीन वर्सेस टोलसन, इन दोनों केस में क्या इंपॉर्टेंट था। इस केस में बोल रहा है कि जो पहला दो केस है इसमें प्रिवी काउंसिल ये मानती है कि मेंस रिया इम्प्लाइडली इनकॉर्पोरेटेड होता है इन द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि अपराध को जब परिभाषित किया जाएगा ना, कोई जरूरी नहीं कि जब अपराध को परिभाषित किया जा रहा होगा तो उसमें इंटेंशनली कार्य किया जाना अनिवार्य है, ये बात को बताया जाए वहां पे दर्ज किया जाए अनिवार्य नहीं है। हर अपराध में इम्प्लाइडली मेंस रिया होता है ये माना जाएगा, ये बात ये दो केस में बोला गया था और इसको हम डिटेल में भी बताएं आपको। और तीसरा केस आता है सेरेस वर्सेस डी रूटजन का, तो इसमें देखिए तीसरा केस में क्या बोलता है, इन थर्ड केस हेल्ड दैट मेंस रिया इज इम्प्लाइडली कंस्ट्रूड अनलेस कॉन्ट्ररी शोन। मतलब कि अगर मान लीजिए इसमें बस एक चीज आगे बढ़ के क्या बोल दिया कि अगर किसी अपराध को परिभाषित किया गया, किसी अपराध को परिभाषित किया गया और उस अपराध में ये जिक्र कर दिया गया है कि मेंस रिया के, मेंस रिया का होना बहुत जरूरी है, बिना मेंस रिया के अपराध नहीं हो सकता है, तो फिर उस अपराध के लिए, उस अपराध के लिए वो कोई व्यक्ति इविल इंटेंट के साथ अगर कार्य करेगा तो ही वो दंडनीय होगा, राइट। जब तक कि कॉन्ट्ररी सोन ना हो जाए, मतलब यही हो रहा है कि हर अपराध में मेंस रिया होना जरूरी है, लेकिन अगर किसी अपराध में बता दिया गया है कि मेंस रिया का कोई आवश्यकता नहीं है, वो विदाउट मेंस रिया भी हो सकता है, तो वैसे अपराधों में मेंस रिया हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि किडनैपिंग, अगर आप किसी के बच्चे को किडनैप करते हो और आप बोलते हो गलती से कर दिए या आपका मेंस रिया नहीं था, नहीं चलेगा, राइट। वहां पे वैसे अपराधों में मेंस रिया का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता, वो क्योंकि वो ऐसे अपराध होते हैं जिसमें मेंस रिया के बगैर भी वो अपराध गठित हो जाता है, राइट, ये याद रखिएगा। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आज YouTube पे क्लास कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बताया ना कि ऐसे बहुत अपराध है जिसमें मेंस रिया का कोई रोल नहीं है, मतलब कि विदाउट मेंस रिया भी वो अपराध हो रहा है, जैसे किडनैपिंग, देशद्रोह, एबडक्शन, बाइगेमी, वेजिंग वॉर, ये जो अपराध बता रहे हैं इसमें मेंस रिया नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया का ना कोई जरूरी नहीं होता है। किडनैपिंग 359, 360, 361, राइट। बात अगर सेडिशन का करें तो 124 है, आप लोग को पता ही है। अगर बात एबडक्शन का करेंगे तो 362, बाइगेमी का करेंगे तो 494, राइट, वेजिंग वॉर का करेंगे तो 121। तो ऐसे अपराधों में मेंस रिया का जरूरी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जब आप मेंस के दृष्टिकोण से जब आप आंसर राइटिंग करोगे ना, तो वहां पे आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द क्राइम एंड काइंड्स ऑफ द क्राइम, अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अपराध अमूमन ये 5-6 प्रकार के ही होते हैं। ट्रेडिशनल ऑफेंस होता है, जैसे कि मर्डर, किडनैपिंग, है ना। सोशियो इकोनॉमिक अपराध होता है जो समाज या आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, राइट। पब्लिक वेलफेयर क्राइम होता है, रेगुलेटरी क्राइम है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्राइम होता है, व्हाइट कॉलर क्राइम होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है वो कौन सा क्राइम होता है,
जो उच्च कोटि के लोग करते हैं, राइट, जो उच्च कोटि के लोग के द्वारा होता है, और एक होता है ब्लू कॉलर क्राइम, जो छोटे मोटे अनएडुकेटेड इलिटरेट जो गरीब तबके के लोग अपराध करते हैं उसे हम कहते हैं ब्लू कॉलर क्राइम, है ना। तो जब व्हाइट कॉलर क्राइम का बात किया जाएगा तो सदरलैंड का नाम आपको याद रखना है, और जब बात क्राइम ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जाएगी, क्राइम ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की जाएगी ना, तो आपको एक चीज हम आपको बता देते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी तो आप लोग समझ ही रहे हो, एक होता है विकेरियस लाइबिलिटी, राइट, विकेरियस लाइबिलिटी होता है। अमूमन आप क्या देखते हो, अमूमन आप ये देख रहे हो ना कि जो अपराध है उसमें व्यक्ति खुद ही करेगा तो ही जिम्मेवार होगा। अपराध के केस में, ऑफेंस के केस में ऐसा नहीं होता है ना कि करे वो उसका परिणाम, उसका सजा हमको भुगतना पड़े, ऐसा नहीं होता है। विकेरियस लाइबिलिटी का अमूमन कंसेप्ट आप नहीं देखोगे ऑफेंस के केस में, क्रिमिनल रॉन्ग्स के केस में, लेकिन कुछ ऐसे भी अपराध हैं जहां पे विकेरियसली पर्सन लाइबल हो जाता है, मतलब किया कोई और उसका जो अंजाम है भुगतना पड़ रहा है किसी और को। जैसे विकेरियस लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ ऑफेंस आईपीसी में कहां कहां है, तो 154 है, 155 है ना, 154, 155, राइट, 154, 155 जो ऑफेंस है उसमें आप गौर से देखो तो ओनर ऑक्युपायर भी जिम्मेवार हो जाता है अपने सर्वेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, राइट। तो ये कुछ प्रकार है अपराध के। आगे निकलते हैं, अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण अपराध होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं अपराध के होने में। इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स, इकोनॉमिक फैक्टर, ज्योग्राफिकल फीचर्स मतलब जिस परिवेश में आप हो वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर हो जाता है आपके अपराधी बनने में। इकोनॉमिक, आर्थिक, आर्थिक तंगी कारण भी लोग अपराध कर देते हैं, गरीब भुखमरी भी एक कारण हो जाता है, कोई फ्रस्ट्रेशन में आके कर देता है, मेंटल सिचुएशन खराब हुआ कर दिया, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है व्यक्ति के क्रिमिनल बनने के लिए। घर का भी प्रभाव पड़ता है, घर में ही अगर वातावरण ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति शांति कहाँ खोजेगा, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण अपराध हो जाता है। प्रेस मीडिया, मोशन पिक्चर, रेडियो, ये सब हम जोड़ सकते हैं अपराध होने के वजहों में कि हाँ इन कारणों से अपराध होता है, राइट। और कहीं ना कहीं कैसे इन्फ्लुएंस्ड है ये आप खुद भी दो तीन पॉइंट इसमें जोड़ सकते हो, ये मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है जब आपसे क्राइम के बारे में कुछ पूछा तो, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से शुरू होता है आपका एग्जैक्ट इंडियन पैनल कोड, एग्जैक्ट इंडियन पैनल कोड यहां से आपका शुरू होता है और यहां से आपको पूरा एक एक प्रोविजन को समझना है, क्योंकि एक सेगमेंट जहां हम लोगों ने बेसिकली समझ लिया आईपीसी को कि क्या है, अपराध क्या होता है, ये सब बेसिक खत्म है। अब यहां से स्टार्ट होता आप लोगों का सिलसिला इंडियन पेनल कोड का। सबसे पहले बात अगर चैप्टर वन का करें तो चैप्टर वन 1 से 5 तक है, जिसमें आपको बताया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट के बारे में कि आईपीसी पूरे भारत में लागू होता है ना। अब यहां पे 2019 याद रखिएगा, 2019 के बाद है ना, 2019 के बाद आईपीसी जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है, लेकिन प्रियोर टू, अगर बात करें प्रियोर टू 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था आईपीसी। तो आईपीसी को हम किस नाम से जानते थे जम्मू कश्मीर में, तो हम लोग जानते थे रणवीर पैनल कोड के नाम से, रणवीर पैनल कोड के नाम से हम लोग जानते थे आईपीसी को जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है इंडियन पेनल कोड। सेक्शन 2 क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं हो, अगर अपराध भारत में होगा तो उसको सजा इंडियन पेनल कोड के हिसाब से मिलेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आपको पढ़ना पड़ता है, क्या जो इंपॉर्टेंट केस आपको पढ़ना पड़ता है इसमें, वो ये है, दैट इज सेक्शन 2 से लेके हंस राज का केस है ना, जॉर्ज हंस राज का केस, राइट, जॉर्ज हंस राज का केस आपको पढ़ना पड़ता है जब भी बात सेक्शन 2 का किया जाएगा। तो ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है आईपीसी का, इंट्रा टेरी
टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बात करता है सेक्शन 2 आईपीसी का, ठीक है। और हंसराज का केस आपको, जॉर्ज हंसराज का केस आपको पढ़ना पड़ता है सेक्शन 2 के रिस्पेक्ट में। सेक्शन 3 में आते हैं। सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोई अपराध भारत के बाहर हुआ है, अब भारत के बाहर दो सिचुएशन देखिए, दो सिचुएशन सेक्शन 3 के हिसाब से, अपराध करने वाला अगर भारतीय है ना, दोज हु कमिट द क्राइम अगर वो भारतीय है तब, या जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ अगर वो भारतीय है और अपराध इंग्लैंड में हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम क्या बोले कि अगर मान लीजिए ए अगर ऑफेंडर है, अगर ए ऑफेंडर है और जो बी है, और जो बी है वो विक्टिम है, राइट, और बी जो है विक्टिम है, अगर ए ऑफेंडर है और वो भारतीय है और जो बी विक्टिम है वो भारतीय नहीं है, एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जो अपराधी है वो भारतीय नहीं है लेकिन जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ विक्टिम वो भारतीय है ना। दोनों ही सिचुएशन में अगर अपराध भारत के बाहर हुआ है, भारत के बाहर मतलब यूके, यूक्रेन, कनाडा, चाइना, है ना, तो यहां पे पनिशमेंट उसको हो सकता है आईपीसी के तहत। लेकिन सवाल आपके मन में आता होगा कि सर भारत के बाहर अपराध हुआ, इंडियन इन्वॉल्व है, चाहे वो अपराध करने के तौर पे हो या अपराध उनके खिलाफ हुआ है, भारतीय अगर इन्वॉल्व है तो उसको आईपीसी के तहत सजा कैसे हो रहा है, उसको तो उस देश के कानून के हिसाब से सजा होना चाहिए ना। देखिए सही जवाब है आपका भी, लेकिन सेक्शन 3 के हिसाब से अगर वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है ना, या अगर जिसके खिलाफ अपराध हुआ वो भारतीय था और अपराध करने वाला किसी अन्य देश का नागरिक था, दोनों ही सिचुएशन में अगर वो भारत आ गया, मतलब कि वो देश, उस देश की सरकार अगर भारत को सौंप दी अपराधी को, उस देश की सरकार जिस देश में अपराध हुआ अगर उस देश की सरकार ने भारत की सरकार को उस व्यक्ति को सौंप दिया, तो एक देश दूसरे देश के अपराधी को सौंपता है किस एक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज एक्स्ट्राडिशन एक्ट, राइट, एक्स्ट्राडिशन एक्ट है। और इस एक्ट के हिसाब से एक देश दूसरे देश को जो ऑफेंडर है वो ट्रांसफर करता है। तो अगर इंग्लैंड में अपराध हुआ, अपराधी भारतीय था या भारतीय नहीं भी था लेकिन अपराध भारतीय के खिलाफ हुआ है, तो जो ऑफेंडर है और उसने जो कार्य किया है अगर वो कार्य इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग पनिशेबल है अगर भारत में हुआ होता, और भारत और अगर इंग्लैंड की सरकार एक्स्ट्राडिशन एक्ट के अकॉर्डिंग भारतीय सरकार को सौंप देगी, तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा सेक्शन 3 के अनुसार चलेगा, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 4, अगर हम आपसे ये पूछे कि क्या अगर कोई व्यक्ति चांद पे जाके अपराध कर दिया, कोई व्यक्ति चांद पे जाके अपराध कर दिया तो क्या उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगा, यस और नो? अगर कोई व्यक्ति चांद पे जाके अपराध कर रहा है तो क्या उस पर आईपीसी लागू होगा? दोनों ही सिचुएशन में ऑफेंडर विक्टिम भारतीय हो या ऑफेंडर विक्टिम में से कोई एक भारतीय हो या दोनों का दोनों भारतीय नहीं हो और वो चांद पे अपराध करेंगे तो कैसे उन पे आईपीसी लागू होगा, आइए समझिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहां पे समझना, हम क्या बोले सेक्शन 4 में कि अगर ए और बी दोनों इंडियन, राइट, दोनों इंडियन, या सिचुएशन ऐसा है कि ए इंडियन है लेकिन बी जो है वो नॉन सिटीजन है, या सिचुएशन नंबर 3, ए और बी दोनों का दोनों नॉन सिटीजन है और ये तीनों सिचुएशन में अपराध चांद पे हुआ है, तो क्या इन तीनों ही केस में जो ऑफेंडर है उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट होगा? तो होगा। कैसे? देखिए सेक्शन 4 कहता है कि जिस रॉकेट से ये लोग चांद पे गया स्पेस में, वो रॉकेट रजिस्टर्ड कहां था, वो स्पेस क्राफ्ट रजिस्टर्ड कहां था? अगर वो स्पेस क्राफ्ट
भारत में रजिस्टर्ड है, अगर वो स्पेस क्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो चांद पे ही क्यों ना हो, वो स्केप जो स्पेस क्राफ्ट है रॉकेट, वो माना क्या जाएगा, वो माना जाएगा कि भारत का ही वो एक हिस्सा है स्पेस में, और उस पर लागू हो जाएगा आईपीसी, राइट। तो ये याद रखिएगा। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ है सेक्शन 4। अगर आपसे पूछेगा कि इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ सेक्शन कौन सा है आईपीसी का, तो सेक्शन 2। और अगर आपसे पूछेगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस जुड़ा हुआ कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 3 भी है सब्जेक्ट टू द कंडीशन, 4 तो प्रॉपरली है, राइट। तो एप्लीकेबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहां फटाफट आइए, बहुत लंबा सफर है। कुछ ऐसे कानून है जिस पे आईपीसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, है ना। तो ऐसे कानूनों पे आईपीसी का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, यही बात कह रहा है आपको सेक्शन 5। तो आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, राइट, आपका एक चैप्टर खत्म है, वेरी गुड रुचिका जी। नेक्स्ट नंबर स्लाइड पे आते हैं और आता है आप चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको कुछ करना नहीं है, चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट है कि कुछ सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको देखेंगे डिटेल में। चैप्टर नंबर 2 में कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं बहुत सारे जिसको बस आपको अमूमन याद रखना पड़ता है, क्योंकि दो ही तरीके से सवाल बनते हैं, या तो सवाल में सेक्शन दे देगा और उसका कंटेंट ऑप्शन में रहेगा, या तो कंटेंट क्वेश्चन में रहेगा और उसका सेक्शन ऑप्शन में रहेगा। तो बेसिक उसका सेक्शन और हेडिंग को ही पढ़ना पड़ता है, राइट। तो देखिए बात करते हैं पहले सेक्शन 6 का। चैप्टर नंबर 2 कहां से कहां तक है, तो 6 से 52 ए तक है, राइट, 6 से 52 ए तक है। सेक्शन 6 क्या कहता है कि जो भी अपराध आईपीसी में डिफाइंड है, हम उसको समझेंगे चैप्टर 4 के मद्देनजर रखते हुए, मतलब कि जितने भी अपराध को डिफाइन किया गया है ना आईपीसी में जितने भी ऑफेंस को डिफाइन किया गया है उसको हमको समझना है चैप्टर 4 के प्रोविजन के अनुसार। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जब आप सेक्शन 300 को पढ़ते हो, तो सेक्शन 300 में बोला है क्या ऐसा कुछ कि माइनर नहीं होना चाहिए या जो मर्डर कर रहा है वो मेजर होना चाहिए, ऐसा कुछ एज को लेके कोई बात किया है क्या? क्या एज को लेके तो कोई बात नहीं किया गया है, राइट। तो फिर अगर वो माइनर है तो क्या वो अपराध के लिए पनिश, उसको अपराध की सजा होगी क्या? अगर वो 7 साल का है तो, माफ कीजिएगा 7 से कम है तो, या 7 से 12 के बीच है और वो इमैच्योर है तो क्या उसको पनिशमेंट होगा? नहीं होगा। या आप कैसे पता किए ये बात? क्या 300 में लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कैसे पता किए आप? जो भी अपराध आईपीसी में दिए गए हैं आप उसको समझते हो चैप्टर नंबर 4 को ध्यान में रखते हुए, यही बात आपको सेक्शन नंबर 6 समझा रहा है। और उसके बाद 7 नंबर पॉइंट कहता है, दैट इज सेक्शन 7, कि सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, मतलब कि जिस भी शब्द को आईपीसी में एक बार डिफाइन कर दिया गया, है वो शब्द कहीं पे भी इस्तेमाल हो उसका वही अर्थ होगा। जैसे जेंडर को जिस तरीके से सेक्शन 8 में बताया गया है, ठीक, जेंडर आईपीसी के किसी भी सेक्शन प्रोविजंस में हो जेंडर का मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 8 में है, नंबर का वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 9 में है, राइट। तो ये हो गया सेक्शन 7। अब आगे बढ़ते हैं, बस सेक्शन 8 में क्या है जेंडर, ये आपको याद रखना होगा, सेक्शन 9 में नंबर याद रखना है बस, सेक्शन 10 में मैन वुमेन, 11 में पर्सन, पर्सन का मतलब क्या? सिर्फ लीगल पर्सन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स ज्यूरिस्टिक पर्सन, तो याद रखिए कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स ज्यूरिस्टिक पर्सन एज वेल। उसके 12 में पब्लिक, क्वीन हट गया है, आरजीएस में पूछ लिया था कि क्वीन जो शब्द है वो कब हटा है, तो 1950 अमेंडमेंट के द्वारा हटा है, याद रखिएगा। क्वीन 13 में है, बस इतना ही आपको याद रखना है। 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज इनफ, बस उसका अंदर का भी याद नहीं करना है, उसके अंदर के बातों को भी याद नहीं करना आप लोगों को, बस 14 में सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, बस इतना ही काफी आप लोगों के लिए, राइट। देन ब्रिटिश इंडिया इसको रिपीट कब किया गया, 1937 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 16 में है, इसको रिपीट किया गया 1937 में, गवर्नमेंट 17, इंडिया 18। अब यहां देखिए क्या कहता है,
कि 2019 अमेंडमेंट के पहले, 2019 अमेंडमेंट के पहले इंडिया का मतलब हम लोग क्या समझते थे? तो इंडिया का मतलब हम लोग बस इतना समझते थे कि भारत जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन 19 के बाद भारत का मतलब इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, राइट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा सफर है। 19 में जज है। अब जज का मतलब सिर्फ वही नहीं कि जो कोर्ट में है, जो मजिस्ट्रेट है, हर वो पर्सन जज माना गया है ना जो लीगली ऑथराइज है टू टेक एविडेंस, ये याद रखिएगा। उसके बाद 20 में कोर्ट ऑफ जस्टिस, 21 में पब्लिक सर्वेंट, 21 में पब्लिक सर्वेंट है। तो उसके बाद 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। आपको तो पता ही है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जब आप पढ़ते हो, जो इमूवेबल नहीं है उसके बाद का जो प्रॉपर्टी बच गया वो मूवेबल है। देन रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, ये थोड़ा हम बता दें आपको। 23 में रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है कि अगर आपने गैर कानूनी तरीके से किसी संपत्ति के इस्तेमाल करने के संबंध में अगर आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया, मीन्स टू से कि मान लो कि कोई वस्तु आपके पास है और अगर उस वस्तु का आपने इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया और कोई प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट के लिए आप हकदार नहीं है, तो वो हो गया रॉन्गफुल गेन। लेकिन अगर आपने किसी वस्तु का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से किया और आपको नुकसान हुआ और उस नुकसान को सहने के लिए आप जिम्मेवार हो, तो वो रॉन्गफुल लॉस हो जाता है, राइट। देन 24 डिसऑनेस्ट, 25 में फ्रॉडुलेंटली, 26 में रीजन टू बिलीव, बस इतना ही। 27 में कहता है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर मान लीजिए मेरी पत्नी है, कोई नहीं, एक ही पत्नी हो सकती है, तो मेरी वाइफ के पास प्रॉपर्टी है या मेरे सर्वेंट के पास प्रॉपर्टी है ना, तो वो प्रॉपर्टी उसके पास है, लेकिन पोजेशन किसका माना जाएगा? मेरा भी माना जाएगा। एक्चुअल पोजेशन तो उसका है ही, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली वो पोजेशन मेरा भी है, ये माना जाएगा। जब आप चोरी के डेफिनेशन को पढ़ोगे ना, तो वहां समझ में आता है ये बात कि 27 कितना इंपॉर्टेंट है। जब एक आशिक, एक की वाइफ का एक आशिक है, वो एक ही पत्नी से कुछ मांगता है कि तुम ना अपने हस्बैंड का महंगा घड़ी लाके दे दो ना, तो वाइफ अपने हस्बैंड का महंगा घड़ी लाके अपने लवर को दे देती है। तो यहाँ पे जो लवर है ना, जो आशिक था एक ही वाइफ का, वो आशिक थेफ्ट के लिए जिम्मेवार हो जाता है, क्योंकि पोजिशन में भले प्रॉपर्टी उसकी वाइफ का हो एक का, लेकिन कंस्ट्रक्टिवली पोजिशन उसके हस्बैंड का माना गया और डिसपोजिशन डिसऑनेस्ट इंटेंट के साथ किया गया है, ये माना गया लवर के द्वारा, तो इसलिए वो चोर है ऐसा कहा गया और वे चोरी है, ये बात 27 के अकॉर्डिंग हुआ प्रमाणित। 28 काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब तो समझते ही है कि आप एक वस्तु का जब रिजेंबलेंस करते हैं, एक वस्तु की तरह हुबहू कोई दूसरा वस्तु बनाने का कोशिश करते हैं, दैट इज काउंटरफिट। और काउंटरफिटिंग क्वाइन जब पढ़ोगे तो वहां काउंटरफिट को और अच्छे समझेंगे। 29 में डॉक्यूमेंट, 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो कोई भी एक वाइट पेपर, अगर वो वाइट पेपर भी है और वो कन्वर्ट हो सकता है ना, वो अगर कन्वर्ट हो सकता है कुछ वैल्यूएबल्स में, तो वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी मान लिया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट केस आता है। केस क्या है कि सर्टिफिकेट विच आर फाउंड एज फॉल्स फॉर बीइंग एडमिटेड इन द कॉलेज वुड बी डिस्क्राइब्ड एज वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखो, एक सर्टिफिकेट फॉल्स सर्टिफिकेट है जिसके आधार पे कॉलेज में एडमिशन लिया जा रहा, तो वो सर्टिफिकेट भी माना गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केस क्या है? कान साहेब कालू पाटिल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद 31 में बिल है ना, कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट दैट इज विल, राइट। उसके बाद 32 वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन। जब हम आपको बताते हैं, जब आपको मर्डर पढ़ाए थे तो हम आपसे पूछे थे ना, मर्डर जब आप पढ़ोगे या कोई भी अपराध आप पढ़ रहे होगे, तो जहां पे ये लिखा गया कि वो करके ही होगा, बाय एक्टिंग होगा, राइट। जैसे कि एग्जांपल अगर हम आपको दें कि अगर हम आपको ये बोले कि ए बी का डेथ कर सकता बिना कुछ किए, बताइए क्या ए बिना कुछ किए बी का डेथ कर सकता है, यस और नो? ए बिना कुछ किए बी का डेथ कर सकता है क्या? ए बिना कुछ किए बी का डेथ कर सकता है क्या, यस और नो?
जी रिपीट करने कुछ ना बोले अभी, बाकी आप एक बार दोबारा चेक करोगे तो दिख जाएगा आपको, समझ आ जाएगा राइट, बाकी हम कर देंगे। तो कर सकता है, मतलब बताए थे ना नर्स एंड डॉक्टर के केस में, नर्स को डॉक्टर बोला कि पेशेंट बहुत बीमार है दवा दे देना, नहीं दोगी तो मर जाएगा, और नर्स जानबूझ के दवाई नहीं देती है, मर गया पेशेंट। तो बिना कुछ किए जो चीज करना था नहीं कि मर गया, और जानबूझ के किया ऐसा इंटेंशनली या इस नॉलेज के साथ कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ परिणाम होगा, तो विक वो नर्स जिम्मेवार है मर्डर की या कल्पेबल होमिसाइड की, जो भी हो 299 या 300 के तहत राइट। तो बिना कुछ किए भी आप किसी का डेथ कर सकते हो। तो जब आप अपराध पढ़ोगे सेक्शन 299-300 तो वहां तो कुछ करके ही हो सकता है ना, लेकिन जब बात कहीं पे एक्ट का किया जाएगा तो इलीगल ओमिशन भी माना जाएगा, इंक्लूडेड है उसमें। ये बात सपोर्ट कर रहा सेक्शन 32। बाकी 30-33 में डिफाइन किया गया एक्ट ओमिशन को राइट। और जो केस है ना, केस तृप्ति जी का केस, कान साहेब कानू पाटिल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस में बोला गया था बात सेक्शन 30 को लेकर राइट। आगे बढ़ते हैं फटाफट, बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा 511 का सफर है राइट। चलिए कम टू द नेक्स्ट, आगे बढ़े। तो यहां पे ना 33 तक तो ठीक है, 34 को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, 34 को आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। क्या कहता है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब वीरेंद्र कुमार घोष का आपको ये 34 आए और वीरेंद्र कुमार घोष ना आए कैसे होगा, है ना। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इंपेरर का केस, यहां देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, पांच लोग मिलके आपस में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या किए, प्लानिंग यह है कि एम का मर्डर करना है, एम का मर्डर करना है राइट। अब ए बंदूक लिया और सीधा एम के पास गया। बी और सी, ये जो दोनों बी और सी है ना, ये जो बी है और सी है, ये दोनों जाके एम को होल्ड किया, पकड़ा है ना, ये होल्ड किया राइट। उसके बाद जो डी है वो गेट के पास खड़ा रहा, वो दरवाजे के पास खड़ा रहा राइट। और जो ई है वो कार को स्टार्ट करके रोड पे है, कार को लेके रोड पे खड़ा है कि जैसे काम होगा गाड़ी में बैठो चल जाएंगे राइट। तो देखो एक बार, एक्चुअली में कौन मारा, एक्चुअली में पोस्टमास्टर को गोली कौन मारा, तो ए मारा राइट। एक्चुअली में अगर बात करें तो गोली कौन चलाया है पोस्टमास्टर एम पे, तो ए चलाया, मारा तो एम है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चारों का इन्वॉल्वमेंट है ना उस अपराध में, दैट इज की एम का मर्डर में, कहीं ना कहीं ये चारों इन्वॉल्व है। तो ए जितना जिम्मेवार है, तो ए जितना जिम्मेवार है उतना ही जिम्मेवार ये चारों होगा कि नहीं होगा, जिसने एम को नहीं मारा वो उतना ही जिम्मेवार होगा ना जितना कि ए होगा। क्यों हो गया, क्योंकि इन पांचों का जो इंटेंशन था कॉमन था, सेम था राइट। ये याद रखिएगा, ये केस है वीरेंद्र कुमार घोष का, और सजा भी उतना ही मिलेगा जितना ए को मिलेगा ना, उतना ही सजा बी को मिलेगा, सी को मिलेगा, डी को, ई को, उतना ही सजा मिलेगा सबको। अब देखिए, ये तो हम बेसिक कॉमन एग्जांपल आपको समझा दिए कि कॉमन इंटेंशन किसे कहते हैं राइट। लेकिन अब आपको लिखना भी तो पड़ता है, आपको तो लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में, तो आप इंग्रेडिएंट्स कैसे पुट इन करोगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है आईपीसी के अंतर्गत कॉमन इंटेंशन के। देखिए आगे बढ़िए, जब भी बात इंग्रेडिएंट्स का आएगा तो पहला नंबर पॉइंट आता है कि कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट जो होगा वो बहुत सारे लोग तो हैं, कम से कम एटलीस्ट कॉमन इंटेंशन के लिए कितने लोग चाहिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन दो लोग कम से कम चाहिए। और दो लोग में से किसी एक के द्वारा, या अगर कुछ दो से अधिक है तो उसमें से कोई एक ने
क्रिमिनल एक्ट किया हो, यह जरूरी है, राइट। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है, पॉइंट नंबर थर्ड कहता है कि जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है वो इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन का मतलब कि यहां पे जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पांच लोग मिले, पांच लोग जब मिल के अपराध कर रहे हैं तो पहले से प्री प्लान है, प्री प्लानिंग है कि करना क्या है, राइट। प्री प्लानिंग है कि करना क्या है। अगर प्री प्लानिंग नहीं होगा ना तो कॉमन इंटेंशन हो ही नहीं सकता है, ये याद रखिएगा। प्री प्लानिंग नहीं होगा तो कॉमन इंटेंशन का बात उठेगा ही नहीं। तो प्री प्लानिंग है पहले से कि करना क्या है, और जो करना है उस पर कोई ना कोई प्रोसीड कर जाता है। एक्ट होना चाहिए इन फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंशन। और चौथा नंबर इंग्रेडिएंट कहता है कि पार्टिसिपेशन किसी ना किसी तरीके से। देखो पांच लोग जब मिल के गया था पोस्टमास्टर को मारने के लिए तो किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व था ना, भले बंदूक चला ए के द्वारा, लेकिन बी सी हाथ पकड़ के था पोस्टमास्टर का, डी गेट के बाहर खड़ा था, ई गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे है, तो कहीं ना कहीं सभी लोग इन्वॉल्व हैं उस अपराध में। तो वही बोल रहा है आपको कि 34 के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कुछ अधिक कुछ कम, इन्वॉल्वमेंट सबका जरूरी है। उसके बाद पचमा कि फिजिकल प्रेजेंस ना जरूरी हो जाता है अपराध के वक्त। पांच लोग जब मिलके गए वीरेंद्र कुमार घोष को मारने के लिए तो देखो सौ शरीर फिजिकली वो लोग उस समय उपस्थित है। और उसके बाद प्री अरेंज्ड माइंड होना चाहिए, पहले से निर्धारित होना चाहिए कि करना क्या है। अगर प्री अरेंज्ड माइंड नहीं हुआ तो वो कॉमन इंटेंशन नहीं है, पहले से निर्धारित नहीं हुआ कि करना क्या है तो वो कॉमन इंटेंशन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। अब जब बात आप इंग्रेडिएंट्स को देखें तो रिलेवेंट केसेस क्या है वो याद रखिए। देखिए जब बात इंपॉर्टेंट केस का करेंगे सेक्शन 34 से, तो आपको स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस देश राज का केस याद रखना है। इसमें क्या बोला गया, इसमें यह बोला गया है कि जो सेक्शन 34 है वो बेस्ड ऑन ज्वाइंट लाइबिलिटी, वो ज्वाइंट लाइबिलिटी के सिद्धांत पे निर्भर करता है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट केस नंद किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में बोला गया कि 34 इज बेस्ड अपॉन कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लाइबिलिटी पर निर्भर है सेक्शन 34। ये बात नंद किशोर के केस में बोला गया। देन वीरेंद्र कुमार घोष, आपको इलस्ट्रेट करके समझा ही दिए कि क्या कहता है वीरेंद्र कुमार घोष का केस, और महबूब शाह का केस, महबूब शाह वर्सेस इंपेरर। इस केस में बताया क्या गया दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। फर्क है, कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में ना फर्क है। क्या फर्क है देखिए, आइए समझते हैं क्या फर्क है। कॉमन इंटेंशन में ना प्री अरेंज्ड प्लानिंग होता है, लेकिन प्री अरेंज्ड क्या होता है, प्री अरेंज्ड माइंड होता है, पहले से निर्धारित होता है करना क्या है। सिमिलर इंटेंशन में कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है, राइट, ये याद रखिएगा आप लोग। और यही बात को समझाया गया था वीरेंद्र कुमार घोष के केस में, महबूब शाह वर्सेस इंपीरियर के केस में बताया गया था कि अंतर है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में, और वो अंतर किस ग्राउंड पे है तो प्री अरेंज्ड माइंड के ग्राउंड पे है, राइट। और लास्ट केस है ऋषि देव पांडे का केस। लास्ट केस कौन सा है, तो लास्ट केस है ऋषि देव पांडे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कॉमन इंटेंशन जरूरी नहीं कि शुरू से ही हो, कभी भी ऑन द स्पॉट भी जनरेट हो सकता है, मतलब एक व्यक्ति का पहले से मन नहीं था, हो सकता है कि अपराध करने के पहले उस स्पॉट पर जाके ही जनरेट हो, डेवलप्ड हो गया कॉमन इंटेंशन, कि उसको भी मन कर गया कि नहीं जो लोग कर रहे हैं हम भी उसमें शामिल हो जाए। तो ये चार पांच केस है जो आपको याद रखना है, वो क्या क्या है आइए एक बार फिर से देख लें। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश देशराज, नंद किशोर, वीरेंद्र कुमार घोष, महबूब शाह, ऋषि देव पांडे का, ये पांच केस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आ ही गया 34 का, ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज दैट कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है, ये भी सवाल आता है ना आप लोगों से, पूछा जाता है कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है ना। देखिए, वेरी गुड, तो कॉमन इंटेंशन का अगर बात करें, पहले अगर बात हम कॉमन इंटेंशन का करें तो ये अनडिफाइंड अनलिमिटेड है, इसका स्कोप ब्रॉड है। स्कोप क्या है इसका? स्कोप इसका ब्रॉड है, इसका स्कोप थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट ये लिमिटेड है। सेक्शन 141 आप पढ़ते हो ना, 141 के अंतर्गत, 141 के अंतर्गत जिन अपराधों के बारे में बताया गया है सिर्फ उसी अपराधों को लेके ही कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है जनरेट, अदरवाइज किसी अपराध को लेके कॉमन ऑब्जेक्ट का कोई खेला ही नहीं होगा। लेकिन जब बात कॉमन इंटेंशन करेंगे तो ये स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ उसी अपराध पे लागू, सभी पे अप्लाई होता है जो कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर टू इज दैट, अगर बात करें कि जब आप देखते हो कॉमन इंटेंशन में तो एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी होता है, राइट। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर आप मेंबर हो अनलॉफुल असेंबली का, आप वहां हो कि नहीं हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आप जिम्मेवार हो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए 149 के अंतर्गत। कॉमन इंटेंशन में मिनिमम पर्सन दो है ना, और इसमें मिनिमम पर्सन पांच होने चाहिए, और मैक्सिमम तो दो से कितना भी हो सकता है, वहां पांच से कितना भी अधिक हो सकता है। जब बात 34 का करेंगे तो रूल ऑफ एविडेंस है, जब बात करेंगे 149 का तो ये खुद में एक अपराध है, राइट। तो ये हुआ कुछ बेसिक पॉइंट आपको दोनों के बीच का डिफरेंस को लेके। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखिए 35, 36, 37 और 38, ये सब, ये जो है ना, ये जो अभी आप पढ़ोगे ये सिमिलर इंटेंशन का कॉन्सेप्ट है, सिमिलर इंटेंशन का। फटाफट बताइए कि किस केस में बोला गया था कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में फर्क किस केस में बोला गया है। एक बार कमेंट करके फटाफट बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सेक्शन, अब स्टार्ट करते हैं 35 को फटाफट। 35 क्या कहता है? सेक्शन 35, सेक्शन 35 क्या कहता है, आइए ये समझते हैं। सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग कहता है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। यहां 35 को समझना है अगर हम आपको, तो इसको एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा हमको। देखिए, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति, एक सी नाम का व्यक्ति, एक डी नाम का व्यक्ति है। इसने एफ नाम के व्यक्ति से 1,000 रुपया कर्ज लिया, बी ने एफ से 500 रुपया कर्ज लिया, सी ने एफ से 600 रुपया कर्ज लिया और डी ने एफ से 200 रुपये कर्ज लिया। अगर आप देखोगे तो जो अमाउंट है सभी का, चाहे वो ए का हो, बी का हो, सी का हो, डी का हो, डिफर कर रहा है। ए का 1,000 है, बी का 500 है, सी का 600 और डी का 200। लेकिन कर्ज एफ सबसे लिया है लोन। अब बहुत दिन हो गया इनमें से किसी के भी लोन को चुकता नहीं किया है, तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे कोई लोन ले ले और लेने के वक्त जी हजूरी और देने के वक्त कौन हो तुम ऐसा कोई करे तो गुस्सा तो आपको भी चढ़ जाएगा। तो इन पांचों को गुस्सा चढ़ गया। अब देखिए, ये पांचों को गुस्सा चढ़ गया और ये चारों को गुस्सा चढ़ गया और ये चारों मिलके ऐप को गया मारने के लिए, ठीक है। अब जब मारने के लिए निकला कि पैसा आज नहीं दिया ना तो आज तो इसको मारेंगे। अब देखो, ए का इरादा क्या था? ए का इंटेंट ये था कि अगर आज पैसा नहीं दिया तो जान से मार देंगे, राइट, मार ही देंगे। बी का इरादा था कि अगर आज पैसा नहीं दिया तो हम इसका टांग तोड़ देंगे, मतलब ग्रीवियस हर्ट करने का इरादा हो गया, राइट। और सी का इरादा था कि चलो ठीक है, ऐप को बोलेंगे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दो तीन थप्पड़ मार के उसको समझा देंगे, सिंपल हर्ट करने का इसका इरादा था। और डी का जो था
वो था कि मांगेंगे आपसे, दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा फिर अगले डेट को मांगेंगे, ठीक है। तो इसका इरादा तो कोई अपराध करने का था ही नहीं, है ना, टू कमिट नो ऑफेंस, कोई अपराध करने का नहीं था। अब देखिए, इंटेंशन इन चारों का अलग अलग है, एम आई राइट, यस और नो? इंटेंशन इन चारों का अलग अलग है, इंटेंशन चारों का अलग अलग है, लेकिन इन चारों के द्वारा उस इंटेंट पे जब काम होगा ना, तो परिणाम भी अलग अलग आएगा। अगर जान से मार देगा तो एफ तो मर ही जाएगा, और उसके बाद अगर बी अगर एक्ट करेगा इस इंटेंट से ग्रीवियस हट करना तो टांग टूटेगा, तो परिणाम भी सबका अलग अलग है। तो मार तो सब मारेगा एफ को, लेकिन ये सभी का इरादा कॉमन है या सिमिलर है? तो ये सभी का जो इरादा है सिमिलर कैटेगरी में आता है, और इन चारों को एक ही सजा नहीं मिलेगा, उसके इंटेंशन के आधार पर सजा डिटरमाइंड होगा। अगर ए का इरादा डेथ करने का है तो उसको 299-300 के अकॉर्डिंग होगा, अगर बी का इरादा ग्रीवियस हर्ट करने का है तो उसको 335 के अकॉर्डिंग सजा, 325 के अकॉर्डिंग होगा, अगर सी का इरादा सिंपल हट का तो 323 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट होगा। और इसको तक कोई, इसका तो कुछ करने का ही नहीं था, एक बार बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं है, बाद में बोलेंगे दोबारा, तो कोई सजा ही नहीं होगा। तो इंटेंशन के आधार पर सजा निर्धारित हो जाता है इन चारों का, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेक्शन 35 को लेकर, और 35 सिमिलर इंटेंशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नाउ कम टू सेक्शन 36, राइट, इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। इसमें ना जेलर का एग्जाम्पल फिट बैठ जाता है, राइट, जेलर का एग्जाम्पल है ना, जिसमें क्या होता है, एक जेलर क्या करता है, सुबह में मारता है और शाम में खाना नहीं देता है, सुबह में मारा शाम में खाना नहीं दिया, मर गया, है ना। तो पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, जब मारा और जब खाना नहीं दिया, दोनों का परिणाम क्या हुआ, व्यक्ति मर गया, है ना, कैदी, तो जेलर लाइबल हो जाएगा डेथ के लिए उस कैदी का। उसके बाद 37 में आते हैं, 37 क्या कहता है, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कंस्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अब एक यहां पे देखो 36 में कितना आदमी है, ओनली वन पर्सन इन्वॉल्व, सिर्फ एक व्यक्ति इन्वॉल्व है 36 में, लेकिन 37 में 2% टू या उससे अधिक भी हो सकता है, राइट। तो 37 में आप क्या देख रहे हैं, एक जेलर क्या करता है, सुबह में मारता है, एक जेलर, जेलर ए, जेलर वन सुबह में मारता है, और दूसरा जेलर जो है जेलर टू वो शाम को मारता है, और दोनों के मारने का जो परिणाम हुआ वो हुआ ये कि कैदी मर गया। तो कैदी मर गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों जेलर पे आ जाएगा 37। 38 पर्सन कंसर्न क्रिमिनल एक्ट में भी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि दो लोग या दो से अधिक लोग, क्रिमिनल जो एक्ट हो रहा है वो सेम है, और वो क्रिमिनल एक्ट में वो दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों का इरादा अलग अलग है, मकसद अलग अलग है, तो पनिशमेंट भी अलग अलग हो गया। जैसे एग्जाम्पल दे इसका थोड़ा सा फटाफट, अगर हम बात करें तो 38 का एग्जाम्पल क्या आता है, 38 का एग्जाम्पल का अगर बात करें तो यहां देखिए ए है और बी है ना? अब हुआ क्या, ए और बी के बीच में हो गया लड़ाई, फाइट शुरू हो गया। जब फाइट शुरू हो गया तो उस वक्त ए के पास कुछ नहीं था, सी नाम का एक बंदा क्या किया, चुपचाप से ए को जाके चाकू दे दिया, नाइफ दैट इज, चाकू दे दिया अगर सी, और उसी चाकू से ए क्या किया, बी के पेट में मार दिया, बी की मौत हो गई, ए जिम्मेवार हो गया, ए का पहले से इरादा था बी को मारने का नहीं था, चाकू सी नहीं देता तो ए क्या बी का हत्या कर देता, नहीं कर देता, तो ए का बहज इरादा था चाकू मारने का, और वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में हुआ है ए से, तो इसलिए ए के द्वारा किया गया कार्य कल्पेबल होमिसाइड हो गया, लेकिन ये कौन सा ग्रेव सडन प्रोवोकेशन में था सी, तो इसलिए इसने जो किया है चाकू दे के महज, इसका इंटेंशन था मर्डर करने का ए के माध्यम से सी का। तो क्रिमिनल एक्ट जो हुआ सेम हुआ, बी की हत्या, और इस क्रिमिनल एक्ट में ए भी इन्वॉल्व है सी भी इन्वॉल्व है, लेकिन इरादा दोनों का अलग अलग, तो इसलिए पनिशमेंट भी दोनों को अलग अलग, ए को पनिशमेंट अलग हो गया कल्पेबल होमिसाइड के लिए, और सी को हो गया मर्डर के लिए। तो ऐसा भी होता है कि पर्सन सेम क्रिमिनल एक्ट में हो इन्वॉल्व, लेकिन पनिशमेंट दोनों को अलग अलग हो जाता है, राइट, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी गुड। ये ना हुआ ये तरीका, अरे आईपीसी याद होगा आप लोग को, एक बात हमको बस एक बार
कमेंट में लिख के दीजिए तो कि सर एक बात बस आपसे पूछना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आईपीसी का पूरा विद रेलेवेंट केसेस प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के एस्पेक्ट पे क्या आईपीसी याद हो सकता है 511? कमेंट में जरूर लिखिए यस और नो। देन 38 के बाद 39 पे आते हैं, तो 39 में बस आपको इतना पढ़ना है कि 39 डिफाइन करता है वॉलंटरली को, स्वेच्छा से। चलिए, जब आप किसी बिना दबाव में आके कोई कार्य करते हो दैट इज कि आपने वो कार्य वॉलंटरली किया है। 40 में ऑफेंस है, बस इतना ही काफी है। 40 में अपराध को डिफाइन किया गया है, बस इतना ही आपको याद रखना, और कुछ याद रखना ही नहीं है, राइट? 39 वॉलंटरली, 40 में ऑफेंस, 41 में स्पेशल लॉ, 42 में लोकल लॉ, 43 में इलीगल लीगली बाउंड टू डू, 44 इंजुरी। इसमें याद रखिएगा, इंजुरी में जब भी बात होगा ना इंजुरी का, तो इंजुरी रेप्यूटेशन का भी होता है ना, ये याद रखिएगा बस। उसके बाद लाइफ, ह्यूमन बींग के लाइफ के बारे में बात कर रहा है। डेथ, तो ह्यूमन बींग के डेथ के बारे में बात कर रहा है। एनिमल 47, 48 वेसल्स, 49 ईयर मंथ, 50 में सेक्शन, 51 में ओथ, 52 में गुड फेथ और 52 ए में हार्बर। अब यहाँ हार्बरिंग का मतलब देख लो, यहाँ 52 ए में जो हार्बर है उसमें सीधा कह दिया एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 और 130। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अपराध अगर 157 के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो अपराध अगर 130 के अकॉर्डिंग हो रहा है, राइट, अगर यहाँ पे ए बी को हार्बर करे, है ना, अगर एक कैदी को, एक ऑफेंडर है, आप उसको हार्बरिंग करते हो 212, जहां पे भी हार्बरिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ना, तो जहां पे भी हार्बरिंग का कॉन्सेप्ट दिया, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बर करेगा तो क्या वो जिम्मेवार होगा? हम क्या बोले, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को हार्बरिंग करेगा तो क्या वो जिम्मेवार होगा? नहीं होगा, राइट, क्योंकि अपवाद के श्रेणी में आता है। बस इतना याद रखना है आपको, वेरी गुड। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर खत्म हो गया, राइट, दैट इज चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीट। आप चैप्टर नंबर 3 में आओ, चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें तो केस आप लोग को पूरा डिटेल में बता चुके हैं। अगर डिटेल वाली वीडियो देखनी है ना, वेरी गुड, डिटेल वाली वीडियो देखनी है, डिटेल में तो वैसे इसमें भी बता ही रहे हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 3 पनिशमेंट। पनिशमेंट कितने प्रकार का होता है ये बताने की जरूरत क्या है? डेथ सेंटेंस, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, है ना, तीसरा तो ओमिट हो ही गया है। चौथा में देखो, इंप्रिजनमेंट दो प्रकार का, एक रिग्रेस और दूसरा सिंपल, है ना। रिग्रेस का मतलब होता है सश्रम कारावास, हटाया भी जाएगा आपसे, और सिंपल में बस आपको कैद करके रखा जाएगा जेल में। और उसके बाद है पांचवा फाइन, उसके बाद नेक्स्ट फोर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। टोटल कितना पनिशमेंट हो गया? तो टोटल 5 पनिशमेंट है, राइट, 5 प्रकार का पनिशमेंट है। इंप्रिजनमेंट फिर फर्दर डिवाइडेड है 2 भाग में, रिग्रेस सिंपल, ये याद रखिए। अब यहां पे केस लॉ, जब बात कैपिटल पनिशमेंट का आता है तो केस लॉ बता देते हैं फटाफट आपको, हम केस लॉ बता देते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है केस लॉ कैपिटल पनिशमेंट जब आएगा। जब बात कैपिटल पनिशमेंट की आएगी ना, कैपिटल पनिशमेंट की जब बात आती है, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेंटेंस, किस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, किस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कि अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते हो तो आप किसी का जान ले भी नहीं सकते हो, है ना, आर्टिकल 21 का वॉलेंटरी माना गया। किस केस में? तो वो केस है, फटाफट बताइए कौन सा केस था वो, वेरी गुड, जगमोहन सिंह, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जग सुना सुना लगे, जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किस केस में बोला गया, किस केस में बोला गया था ये बात कि कैपिटल पनिशमेंट अगर देना है ना, कैपिटल पनिशमेंट अगर देना है तो फिर एक्यू
एंटीसीडेंट देखा जाएगा, एंटीसीडेंट है ना, एक्यूज्ड का एंसीडेंट मतलब उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, मोटिव किस परिस्थिति में एक्ट हुआ है, मतलब डेथ हुआ है, अपराध हुआ है, ये देखा जाएगा। ये बात किस केस में बोला गया, तो ये माछी सिंह का केस था, राइट, ये था माछी सिंह का केस, माछी सिंह का केस है ना, माछी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और एक नंबर पॉइंट दे दीजिए यहां पे, तो बात आपको दिमाग में भी रहेगा। देन उसके बाद किस केस में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया और बोला गया कि उसी तीसरा नंबर पॉइंट कि किस केस में यह बोला गया कि अगर एक्यूज्ड, अगर अगर एक्यूज्ड डेंजरस है सोसाइटी के लिए, खतरनाक है अगर सोसाइटी के लिए, डेंजरस है फॉर सोसाइटी, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए खतरनाक है, तो फिर कैपिटल पनिशमेंट तभी दिया जाएगा। यह बात किस केस में बोला गया फटाफट, ये बात किस केस में बोला गया था बाबू, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाएगा, किस में बोला, राजेंद्र प्रसाद है ना, राजेंद्र प्रसाद है ना, राजेंद्र प्रसाद। तो ये याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश। और यहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा, जब माछी सिंह के बारे में बताया ना, तो माछी सिंह है पंजाब, माछी सिंह का केस है पंजाब का, राइट। तो ये तीन केस आप लोग को समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसको हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई को आगे बढ़ाइए फटाफट, क्योंकि लंबा सफर है, तय बहुत करना है, दूर मंजिल दूर है, जाना जरूर है, राइट। नेक्स्ट, चौथा, किस केस में बोला गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाएगा, यह बात किस केस में बोला गया था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाएगा, यह बात किस केस में बोला गया, बताइए फटाफट, है ना, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह का केस था वो, पंजाब, बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5, कि किस केस में यह बोला गया, किस केस में यह बोला गया था कि डिले अगर हुआ इन एग्जीक्यूशन, तो कम्यूट डिले इन एग्जीक्यूटिंग डेथ सेंटेंस अगर हुआ तो वो कम्यूट हो जाएगा, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया जाएगा। ये बात किस केस में बोला गया था भैया, बताइए फटाफट, टीवी वतीश्वरन है ना, टीवी वतीश्वरन के केस में ये बात बोला गया था, तमिलनाडु। लेकिन एक बात बताइए भैया, कि अगर मृत्यु दंड को एग्जीक्यूट करने में हो रहा है देरी, तो उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में तो कंप्यूट कर दिया जाएगा, लेकिन अधिकार है क्या उसका, है ना, मैटर एज अ मैटर ऑफ राइट वो क्लेम कर सकता है क्या, है ना, ऑफेंडर कैन नॉट क्लेम कम्यूटेशन एज अ मैटर ऑफ अधिकार के तौर पे थोड़ी बोल सकता है कि कम्यूट करना ही पड़ेगा, देरी हो गया एग्जीक्यूट करने में, तो ऐसा नहीं है, है ना। किस केस में बोला गया भैया, बताइए फटाफट, कौन सा केस था, शमशेर सिंह का, शेर सिंह का, राइट, शेर सिंह का केस था वो, शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, लिख लिए आप लोग फटाफट, बताइए लिख लिए, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अगला केस है, केस नंबर 7, हैंगिंग बाय रोप,
रस्सी से जो लटकाया जाता है वो संवैधानिक माना गया, कॉन्स्टिट्यूशनल है। किस केस में बोला गया, फटाफट बताइए कि किस केस में बोला गया ये बात कि रस्सी से लटकाया जाता है तो ये संवैधानिक है। किस केस में बोला गया ये बात, तो ये बात बोला गया आपको दीना के केस में, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला गया ये बात, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर पे आते हैं, और कोई केस बचा हुआ है क्या? हाँ, जब भी बात मृत्यु दंड का होगा तो ये सवाल उठता ही है, राइट टू लाइफ वेदर इंक्लूड इन इटसेल्फ राइट टू डाई। अगर आपको जीने का अधिकार है तो क्या आपके जीने के अधिकार में क्या मरने का अधिकार भी शामिल है कि जब मन किया तब मर जाएंगे? तो किस केस में बोला गया था यस है, किस केस में बोला गया पहले यस है? वो केस था मारुति श्रीपति दुबल का, राइट, मारुति श्रीपति दुबल का, मारुति श्रीपति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, राइट। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अफर्म कर दी कि नहीं है यही बात, किस किस में होगा, पी रथिनम के केस में, पी और रथी, पी रथिनम के केस में, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, राइट। और उसके बाद किस केस में बोला गया कि नहीं नहीं है आपको जीने के साथ मरने का अधिकार, ऐसा नहीं कि आपको जब मन करेगा तब मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ये बात किस केस में बोला गया? वेरी गुड, दैट इज ज्ञान कौर, है ना, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये बात बोला गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब केस आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, मारुति श्रीपति दुबल का केस, पी रथिनम का केस, ज्ञान कौर का केस। तो ये 8 केस, 8-10 केस जो है आपको याद रखना पड़ता है जब बात डेथ सेंटेंस का आएगा तब, राइट। और आगे बढ़ते फटाफट, अब देखो होता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, राइट, अगर हम बात करें तो लाइफ इंप्रिजनमेंट भी तो है। देखो लाइफ इंप्रिजनमेंट को ना जनरल रूल के हिसाब से होल लाइफ माना गया है, होल लाइफ, आजीवन कारावास होता है, होल लाइफ। कुछ मामलों में देखोगे आप 20 साल माना गया है, कुछ सिचुएशन में आप देखिए तो 14 साल माना गया है, कुछ सिचुएशन में आप देखिए तो 10 साल माना गया है, राइट, है कि नहीं, गलत बोले क्या, सही बोले है ना, तो वेरी गुड। तो अगर जनरल रूल के हिसाब से बात करें तो होल लाइफ होता है, ये बात किस केस में बोला गया था, तो अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, माफ कीजिएगा वर्सेस स्टेट ही होगा सिर्फ, अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट, और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, है ना, ये दो केस जिसमें ये समझ में आ गया हमको कि जनरल रूल के हिसाब से जब भी आपसे पूछेगा कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या, तो होल लाइफ, 20 साल कब, 20 साल किस दृष्टिकोण से, तो सेक्शन 57 के दृष्टिकोण से, राइट, 14 साल कब, तो आफ्टर कम्यूटेशन पे 14 साल हो जाता है, राइट, सेक्शन 55,
आईपीसी 10 साल एज पर सेक्शन 511। तो 15 तो होल लाइफ किस केस में, जो जनरल रूल के हिसाब से 20 साल कब, तो 57 के हिसाब से, 14 साल कब आफ्टर कम्यूटेशन सेक्शन 55 के हिसाब से, और 10 साल कब माना गया तो सेक्शन 511 के हिसाब से, राइट। तो ये लाइफ इंप्रिजनमेंट इस तरीके से आपको समझ में आ गया पूरा डिटेल में, वेरी गुड। पैसिव यूथनेसिया का केस भी है, वेरी गुड रोहन जी, पैसिव यूथनेसिया का भी केस है। तो पैसिव यूथनेसिया अलाउड है लेकिन एक्टिव यूथनेसिया नहीं है ना। अरुणास रामचंद्र सैनबॉग का केस है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरुणा रामचंद्र सैनबॉग का केस है जिसमें बोला गया था ये बात स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की, पैथिव जो दो टाइप का यूथनेसिया होता है, एक्टिव पैसिव, पैसिव अलाउड है एक्टिव अलाउड नहीं है, है ना। रामचंद्र सैनबॉग यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ये, वेरी गुड। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट। तो डिटेल में आपको समझ आ ही गया, कुछ भी नहीं छूटा और आपके दिमाग में सेट हो गया पनिशमेंट में डेथ सेंटेंस के बारे में पूरा चीज, और लाइफ इंप्रिजनमेंट के बारे में पूरा चीज आपको समझ में आ गया, राइट। और पनिशमेंट कितने टाइप का होता है, बाकी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जिसमें डिटरेंट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी है ना, और एक्सपायटरी थ्योरी होता है, रिफॉर्मेटरी थ्योरी होता है। तो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट तो बेसिक चीजें हैं कि बस पर्पस क्या है ये पकड़ लीजिए पनिशमेंट देने का, उसके अकॉर्डिंग थ्योरी को एलोबरेट कर दिया गया। अब रिफॉर्मेटिव थ्योरी है तो पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप में सुधार हो सके। अब डिटरेंट थ्योरी है, डिटरेंट थ्योरी में क्या होता है कि पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपको देख के, दैट इज कि किसी एक व्यक्ति को पनिशमेंट हुआ तो दूसरा डर के छोड़ दे अपराध करना, राइट। प्रिवेंटिव थ्योरी होता है जिसमें क्या होता है पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि अपराध हो ही ना, तो ये पर्पस के अकॉर्डिंग होता है। डिटरेंट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी बदले के लिए, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, एक्सपायटरी थ्योरी पश्चाताप, और प्रिवेंटिव थ्योरी, पांच प्रकार का थ्योरी है पनिशमेंट का, ये सब आपको पता ही होगा। उसके बाद देखो 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि जिन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ का पनिशमेंट हुआ है, काला पानी का सजा हुआ है 53A जुड़ने के बाद, उनके ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ के पनिशमेंट को तब्दील कर दिया जाएगा लाइफ इंप्रिजनमेंट में, राइट, वेरी गुड। उसके बाद 54 जिसमें डेथ सेंटेंस कम्यूट हो रहा है। अब जब बात कम्यूटेशन का होगा तो एक बात याद रखिएगा कि सेंटेंस मृत्यु दंड भी, डेथ सेंटेंस भी फाइन में कम्यूट हो सकता है, फाइन में कम्यूट हो जाएगा एक बात। और जब आप पढ़ोगे 54 को तो सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन आपको लेकर पढ़ना है, तो सीआरपीसी का जब भी बात कम्यूटेशन का होगा तो सेक्शन आपको 433 एक साथ पढ़ा जाता है, राइट। लेकिन जब बात हम करेंगे लाइफ इंप्रिजनमेंट के कम्यूटेशन का ना, लाइफ इंप्रिजनमेंट के कम्यूटेशन का, तो एक बात याद रखिए वो 14 साल से अधिक कम्यूट, मतलब 14 साल तक कम्यूट हो सकता है एक बार में लाइफ इंप्रिजनमेंट, राइट। उसके बाद जब बात कम्यूट करने का कर रहे हैं तो कम्यूट कौन करेगा, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम किसे कहेंगे, तो अगर ऑफेंस जो हुआ, अगर जो अपराध हुआ उसका संबंध उस मैटर से है जिस मैटर पे कानून बनाने का पावर अगर पार्लियामेंट को है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो गया, केंद्र सरकार। और अगर मैटर पे कानून बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर को है तो फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया राज्य सरकार। तो जिस मैटर पे अपराध हुआ है उस मैटर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है, 55A। 57 फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। अब देखिए जब बात फॉर द फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट का करेंगे तो कहने का तात्पर्य होगा कि हम लाइफ इंप्रिजनमेंट को कितना मानेंगे, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट को हम मानेंगे यहां पे 20 साल। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट तो स्पेसिफिकली पनिशेबल नहीं है, तो आप 511 जोड़ते हो,
और अटेम्प्ट जो थेफ्ट का पनिशमेंट है 379 के अकॉर्डिंग उसका आप आधा कर देते हो, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट का जो चोरी का पनिशमेंट है वो 3 साल है, तो चोरी का आधा कर देते हो आप, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट का 1.5 साल पनिशमेंट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उस अपराध को करने का प्रयास किया जिसका सजा आजीवन कारावास है और उसका उसका अटेम्प्ट स्पेसिफिकली पनिशेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 511 जोड़ेंगे। तो 511 जब जोड़ेंगे उस अपराध के अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाने के लिए और उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का 1/2 कैसे करेंगे हम लोग, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का 1/2 करेंगे हम लोग, लाइफ इंप्रिजनमेंट को मान लेंगे 20 साल और उसका आधा करेंगे तो 10 साल हो जाएगा, राइट। वेरी गुड, ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं 56, 58। देखिए यहां पे फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी एट, फिफ्टी नाइन, सिक्सटी वन, सिक्सटी टू पढ़ना नहीं है। उसके बाद 60 में आते हैं, तो 60 तो आपको पता ही है कि क्या कह रहा है कि कुछ केसेस में जो इंप्रिजनमेंट है पूरे रिग्रेस पूरे सिंपल या फिर आधा रिग्रेस आधा सिंपल हो सकता है, ये कह रहा है। आगे बढ़ो भाई फटाफट। उसके बाद 64 में आते हैं, 64 कहता है सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, है ना। अगर आपको फाइन हुआ है इम्पोज, अच्छा 64 से पहले 63 भी है, 63 भी है अमाउंट ऑफ फाइन, अमाउंट ऑफ फाइन, राइट। अब यहां तो आपको पता ही है कि जिस ऑफेंस में जिस ऑफेंस को लेके फाइन प्रिस्क्राइब है कि फाइन कितना होगा, फाइन प्रिस्क्राइब्ड है कि कितना फाइन होगा ये बता दिया गया है, तब तो उतना ही होगा ना, है ना। लेकिन अगर नहीं बताया गया तो इफ नॉट मेंशन, तब इफ नॉट मेंशन कि उस अपराध का अगर फाइन का जिक्र ही नहीं किया गया कि फाइन कितना होगा, तो याद रखिएगा फाइन तो अनलिमिटेड हो सकता है इस सिचुएशन में, अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेसिव। मतलब इसका क्या हुआ, अनलिमिटेड हो सकता है, एक्सेसिव नहीं होगा, उतना हो सकता जितना वो देने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि एक रिक्शा वाला को अपराध का सजा हुआ और उस अपराध के लिए फाइन इंपोज किया गया जिसका फाइन का जिक्र ही नहीं किया गया था, तो ऐसा नहीं है कि उसको बोल देगा 1 करोड़ दे दो, उतना बोलेगा जितना वो दे सकता है, राइट। लेकिन वो उतना कितना होगा वो कोर्ट तय करेगी। तो ये हो गया 63। 64 कि अगर आपको फाइन देने को कहा गया आपने फाइन नहीं दिया तो इसके कारण आपको हो सकता है इंप्रिजनमेंट अलग से, मतलब कि एक व्यक्ति को, यहां पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, अर्थात कहने का मेरा ये मतलब है 64 के अकॉर्डिंग, 63 तो समझ ही गए, 64 के अकॉर्डिंग कि एक व्यक्ति को 2 साल का सजा हुआ प्लस फाइन हुआ, राइट। और अगर उसने फाइन नहीं दिया, अगर इसने फाइन पे नहीं किया तो 2 साल के साथ फाइन नहीं देने के कारण जितना भी इंप्रिजनमेंट होगा वो कितना होगा आपको आगे बताएंगे ही, तो वो प्लस हो जाएगा। अगर मान लो 3 महीना हुआ तो 2 साल 3 महीना उसको जेल में रहना पड़ेगा, 6 महीना हुआ तो 2 साल 6 महीना उसको जेल में रहना पड़ेगा, राइट। तो फाइन नहीं देने के कारण जो इंप्रिजनमेंट होता है वो जो ओरिजिनल सजा उसको मिला उसमें वो इंक्लूड हो जाता है, ऐड हो जाता है, इज इट क्लियर। चलिए उसके बाद 65 में बताता है कि लिमिट कितना होगा फाइन नहीं देने के कारण जो इंप्रिजनमेंट होगा वो कितना होगा, तो मैक्सिमम का, राइट, मैक्सिमम का 1/4, मैक्सिमम का 1/4 होगा, मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगा, क्लियर, मैक्सिमम का 1/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका 65। अब कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, कभी कभी ये हम आपको बता दें, कभी कभी 65 में ही बात करें, अगर हम लोग 65 में ही बात करें तो कभी कभी होता क्या है कि कोई ऑफेंस है, अगर हम आपको ये बोलेंगे कि जिसका पनिशमेंट सिर्फ 2 साल है ना, और उस अपराध के केस में अगर फाइन देने को कहा गया फाइन नहीं दिया गया तो फिर नहीं देने के कारण फाइन कितना होगा इंप्रिजनमेंट, तो आप तुरंत निकाल लोगे 2 को 1/4 करके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन दिक्कत कहां आता है कि अगर हम आपको ये बोले कि अपराध का पनिशमेंट ना कहीं कहीं लिखा होता है शैल नॉट बी लेस देन 6 ईयर
बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर। तो फिर ऐसे केस में अगर आपको अपराध के लिए सजा सुना दिया गया 8 साल का, राइट, 8 साल का सुनाया जा सकता है, 8 साल का, 8 साल का सुनाया गया सजा और प्लस फाइन भी देने को कहा गया और आपने फाइन नहीं दिया, तो आपको अब मैक्सिमम कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम, 1/4 किसका करेंगे, 6 का करेंगे 1/4 कि 10 का करेंगे कि 8 का करेंगे, बताइए तो फटाफट किसका 1/4 करेंगे हम लोग, तो चलिए बताते हैं हम आपको। 8 साल का हम 1/4 नहीं करेंगे, हम करेंगे मैक्सिमम कितना है पनिशमेंट उस ऑफेंस का, 10 साल, इस 10 साल का 1/4 करेंगे, मतलब 2 है ना, इधर हो गया 5 और फिर यहां पे 2 से कटेगा तो 2.5, तो यहां पे टोटल उसको 2 साल 5 महीना एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा, तो 8 साल में 2.5 मंथ हम जोड़ देंगे, तो मैक्सिमम पनिशमेंट का हम करते हैं 1/4, राइट, वेरी गुड, तो टोटल उसको 10 साल 5 महीना काटना पड़ जाएगा, ये है 65। आगे बढ़ते हैं 65 के बाद 66 में कि भैया कि फाइन नहीं देने के कारण जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो कैसा होगा, तो फाइन नहीं देने के कारण जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो कहता है रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, राइट, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है कि दो प्रकार का इम्प्रिजनमेंट ही होता है, रिग्रेस सिंपल। 67 कहता है कि अगर मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट जो होगा फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, लेकिन सिचुएशन क्या कि जो अपराध है वो सिर्फ फाइन से ही पनिशेबल है, अब यहाँ पे अगर 50 रुपये तक का फाइन है तो फिर ऐसे अपराधों के लिए जो सिर्फ फाइन से पनिश, पहला बात कि ऐसे अपराध विच आर पनिशेबल विथ फाइन ओनली, सिर्फ फाइन से पनिशेबल है, अगर अपराध सिर्फ फाइन से पनिशेबल है तो एक बात तो याद रखिएगा इसमें कि जो इम्प्रिजनमेंट होगा फाइन नहीं देने के कारण वो हमेशा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, स्वशर्म नहीं हो सकता, एक बात ये तो ठीक समझ में आप लोगों को आ गया, राइट, लेकिन अब होगा कितना, अगर 50 रुपये आए तो 50 से अधिक नहीं है तो 2 महीने का, ठीक है, अगर 50 से अधिक और 100 से कम है तो फिर 4 महीने का, राइट, और अगर 100 रुपये से अधिक है, 100 रुपये से अधिक है तो फिर 6 मंथ का होगा इम्प्रिजनमेंट, राइट, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को 67, क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 68 में आते हैं, अगर एक व्यक्ति को फाइन देने के लिए कहा गया 100 रुपया, राइट, और उसको 100 रुपया वो नहीं दिया, तो 100 रुपया नहीं देने के कारण उसको हुआ इम्प्रिजनमेंट 4 महीने का, तो अब यहाँ पे अगर वो 100 रुपया दे देता है तो फिर उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, उसको 4 मंथ को, उसको 4 मंथ जेल में रहने का जरूरी नहीं है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ो आप लोग फटाफट, देन 64, 65, 66, 67, 68 हो गया, 69 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब कि अगर व्यक्ति को 69 बता रहे हैं आपको हम, अगर व्यक्ति को मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, अगर उसको 100 रुपया हुआ था फाइन, राइट, उसको 100 रुपया का फाइन हुआ था और उसने फाइन नहीं दिया तो 4 मंथ का उसको हुआ है इम्प्रिजनमेंट, 4 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर उसने मान लो 2 मंथ ऑलरेडी काट लिया, 2 मंथ ऑलरेडी स्पेंड कर दिया, बिता लिया और बच गया उसका 2 मंथ, तो वो 2 मंथ के लिए अगर 50 रुपया दे देगा, 2 मंथ के लिए 50 रुपया दे देगा तो फिर उसको क्या अगला 2 मंथ सफर करना पड़ेगा इम्प्रिजनमेंट, तो उसको अगला 2 मंथ सफर नहीं करना पड़ेगा, राइट। चलिए ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, तो ये हो गया 69, राइट, कि प्रोपोर्शनल पेमेंट पे आपका इम्प्रिजनमेंट प्रोपोर्शनली टर्मिनेट हो जाता है। अब आगे बढ़ते फटाफट सेक्शन 70 में आते हैं, फाइन लेवियबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट डेथ नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी, मतलब कि अगर मान लीजिए एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को फाइन का सजा हुआ और वो मर गया, फाइन नहीं चुकाया, तो क्या वो फाइन के लाइबिलिटी से क्या वो डिस्चार्ज होएगा, मर जाने से क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा अगर वो नहीं दिया तो, यस और नो,
नहीं होगा डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज अगर वो नहीं होगा तो वो फाइन कितने टाइम में रिकवरी जरूरी है, वो फाइन का रिकवरी कितने टाइम के भीतर जरूरी है। तो दो सिचुएशन है। देखिए अगर ऑफेंस जो है ना, देखो अगर अपराध का जो सजा है वो 6 ईयर से कम है ना, अगर लेस देन 6 ईयर है तो फाइन का रिकवरी 6 साल के साथ विद इन सिक्स ईयर हो जाना चाहिए, राइट, विद इन 6 ईयर हो जाना चाहिए। अगर फाइन का सजा 6 साल का है तो फाइन की रिकवरी जिस डेट को सजा हुआ उस डेट से 6 साल के भीतर हो जाना चाहिए, एक बात। लेकिन अगर फाइन जो अपराध है उसका पनिशमेंट जो है मोर देन सिक्स ईयर है, राइट, तो 6 साल से अगर अधिक है, मान लेते 7 साल है, 8 साल है, 9 साल है, तो रिकवरी कितने साल के भीतर होना जरूरी है। तो अगर 6 साल से अधिक है पनिशमेंट अपराध का और उस केस में फाइन देने को कहा गया है तो फाइन का रिकवरी जितना भी अपराध का सजा है 7 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल उस डेट के भीतर रिकवर होना जरूरी है, एक बात समझ में आ गया। 6 से कम है अपराध का सजा तो 6 साल के भीतर, अगर 6 से अधिक है तो जितना साल के लिए है उतने साल के भीतर रिकवरी जरूरी है, राइट। और तीसरा नंबर पॉइंट जो सेक्शन 70 से याद रखना है वो ये कि अगर मान लो व्यक्ति मर गया ऑफेंडर, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो फाइन के जिम्मेवारी से मुक्त हो जाएगा, उसके प्रॉपर्टी से लिया जाएगा फाइन, रिकवरी तो होगा ही होगा और उसके संपत्ति से होगा रिकवरी, उसके प्रॉपर्टी से रिकवर होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फाइन जो रिकवरी उसके प्रॉपर्टी से होगा, तो सवाल यह आना चाहिए आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि किस प्रोविजन के अकॉर्डिंग रिकवर होगा। तो वो सीआरपीसी के सेक्शन 421 के अकॉर्डिंग, राइट, 421 के अकॉर्डिंग रिकवर होता है फाइन, है ना। तो 421 के अकॉर्डिंग रिकवरी होगा फाइन का, अगर मर गया तो फिर उसके संपत्ति से लिया जाएगा, और उसका संपत्ति अगर किसी उसके वारिस को गया है और उस वारिस के पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से लिया जाएगा फाइन का अमाउंट, है ना, बचेगा नहीं फाइन कभी भी। तो ये हो गया सेक्शन 70। देखिए भैया वीडियो सेक्शन 70 तक चले गए हम लोग, वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना आप लोगों को तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, राइट, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए इस ग्रुप में ताकि और भी लोग आ सके और लोगों को बेनिफिट हो पाए। तो ये आपको समझ में आ गया, चलिए 70 नंबर। तो 4 पॉइंट निकल के आया 70 से कि अगर फाइन 6 ईयर के भीतर पनिशेबल तो 6 साल के भीतर रिकवरी, 6 से अधिक है तो जितना भी साल में है, जितना भी साल के लिए अपराध दंडनीय है उतने साल के भीतर रिकवरी, 6 साल से अधिक है तो। तीसरा कि व्यक्ति अगर मर गया तो इसका यह मतलब नहीं कि बच गया, फाइन तो रिकवरी होगा ही, कैसे रिकवरी होता है तो 432 के तहत सीआरपीसी का, और रिकवरी किससे होता है तो प्रॉपर्टी से होता है उसके, अगर उसके प्रॉपर्टी लीगल एयर के पास है, प्रॉपर्टी है अस्तित्व में तो उस प्रॉपर्टी से रिकवर हो जाएगा। देन सेक्शन 71 आपसे पूछता भी है ना, आपसे एक सवाल पूछता है, क्लास कब तक होगी, चलने दो क्लास, चल रहा है, मजा आ रहा है सभी को, 5 मिनट का ब्रेक, चलिए इस चैप्टर को खत्म करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक देंगे, ठीक है, इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, 5 मिनट का ब्रेक आप लोग को मिलेगा, लेकिन उस पांच मिनट के ब्रेक में आप लोग को बस इतना ही कहेंगे कि इस 5 मिनट के ब्रेक में एक चीज जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है तो बात मानेंगे ना, वेरी गुड, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए ग्रुप में, हर जगह फैला दीजिए जहां से भी जुड़े हुए हैं, हर जगह फैला दीजिए। तो इस चैप्टर को खत्म करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक हम लोग लेंगे, पहले इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, कुछ ही सेक्शन बचा हुआ है। देखिए बात अगर सेक्शन 71 का करें तो लिमिट ऑफ पनिशमेंट के बारे में बात किया रहा, पहला नंबर पॉइंट आपसे पूछता है कि डबल जियोपार्डी से जुड़ा हुआ सेक्शन कौन सा है आईपीसी में, तो आपको जवाब देना है सेक्शन 71। इसमें ना 3 पॉइंट है, पहला नंबर पॉइंट आपको ये कह रहा है कि
अगर मान लीजिए एक कोई भी एक्ट है ना, अगर वो एक्ट खुद में पनिशेबल है, एन एक्ट इन इटसेल्फ पनिशेबल, राइट, और अगर उस प्रकार के एक्ट अगर मान लो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किया गया, तो क्या हर बार के लिए अलग से पनिशमेंट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का यह हुआ कि अगर आप किसी को डंडा से मारते हो, है ना, डंडा से मारे, तो एक बार अगर स्टिक मारते हो, एक स्टिक अगर मारे, तो एक स्टिक मारने के लिए दैट इज कि आपने सिंपल हट किया, तो उसका पनिशमेंट एक साल का है, राइट, उसका पनिशमेंट एक साल का है, एक स्टिक मारने के लिए उसका पनिशमेंट एक साल का है। अगर आपने मान लो 50 स्टिक मार दिया, 50 स्टिक दे दिया, तो क्या आपको हर स्टिक के लिए एक एक साल का पनिशमेंट होगा? क्या टोटल 50 साल का होगा? क्या ऐसा नहीं है, एक ही साल का पनिशमेंट होगा। एक बात, दूसरी बात आपको क्या समझना है यहां पे, दूसरा नंबर पॉइंट ये कि अगर मान लीजिए ऑफेंस ना, कोई भी अपराध आपने जो किया है, वो अगर आईपीसी के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल है या किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल है, अदर लॉ के अकॉर्डिंग भी पनिशेबल, आईपीसी के अकॉर्डिंग तो है ही है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर रेप हुआ या फिर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, लेट अस टेक एन एग्जांपल, दैट इज मान लेते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, तो सेक्सुअल हरासमेंट आईपीसी में भी दिया गया है और पॉक्सो में भी दिया गया, ठीक है। तो पॉक्सो में सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रहा बच्चों का हो रहा है, लेकिन 354A जब आप पढ़ते हो आईपीसी का, 354A, तो 354A में यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वो हो रहा है आपको सिर्फ फीमेल का मेल के द्वारा, और पॉक्सो में तो दोनों का हो रहा है। तो अगर एक व्यक्ति ने मान लो कि सेक्सुअल हरासमेंट किया और वो पनिशेबल है 354A आईपीसी के अकॉर्डिंग भी और पॉक्सो के अकॉर्डिंग भी, अदर लॉ के अकॉर्डिंग भी, तो पनिशमेंट क्या उस व्यक्ति को दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग होगा? क्या पनिशमेंट तो दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट उसको नहीं होगा, किसी एक एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल वो होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, राइट। ये हो गया कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट नंबर, जो तीसरा नंबर पॉइंट ये है आपको समझना, तीसरा नंबर पॉइंट जो आपको है समझना वो ये समझना है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने कार्य किया, एक व्यक्ति मान लीजिए, तीसरा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1, 2 तो समझ में आ ही गया, अब आगे देखिए पॉइंट नंबर 3 को समझिए। एक तीसरा नंबर पॉइंट देखिए क्या है कि अगर एक ए नाम का व्यक्ति है, इसने मान लो डकैती किया और मर्डर भी किया, डकैती भी किया प्लस इसने मर्डर भी किया है, मतलब पांच लोग मिलके किया था। हम कहने के एग्जांपल पे बात कर रहे हैं कि ये नहीं, ये बुद्धि, ये दिमाग मत लगाइएगा कि सर ए अकेले कैसे हो जाएगा डकैती के लिए जिम्मेवार, पांच लोग चाहिए, वो हमको भी पता है, हम आपको बस उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि अगर ए ने मान लो डकैती किया और मर्डर भी किया, राइट, तो डकैती करना और मर्डर करना दोनों खुद में अपराध है। डकैती के लिए पनिशमेंट होता 395, है ना, मर्डर के लिए होता पनिशमेंट 302, और अगर डकैती के दरमियान मर्डर हो गया है, यहां पे ए ने क्या किया, डकैती के दरमियान मर्डर किया, मतलब डकैती करते हुए डकैती विथ मर्डर है, राइट, तो ये भी खुद में अपराध है 396 के तहत। तो हमको एक बात बताइए, ए को 396 के तहत तो पनिशमेंट होगा ही होगा, क्या इसके साथ साथ 395 के अकॉर्डिंग भी होगा और 302 के अकॉर्डिंग भी होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो उसने सेवरल एक्ट किया और वो एक्ट खुद में पनिशेबल है और जुड़ जाएगा तो वो एक अलग अपराध बना देता है, तो जुड़ने के बाद जो नया अपराध का निर्माण हुआ है ना, उसी अपराध के लिए वो लाइबल होगा, वो हर अपराध के लिए लाइबल नहीं होगा, राइट, तो सिर्फ 396 अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट मिलेगा। ये हो गया आपका ये आपका हो गया सेक्शन। एक एक बातों को गहराई से डिटेल में, मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बस इतना जरूर कर दीजिए। 72 में आते हैं, 72 क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ पर्संस गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डॉटफुल ऑफ विच। अब सवाल ये है 72 में आते हैं, अगर ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, अब मानो कि इसने कोई कार्य किया, अब कोर्ट को ना समझ नहीं आ रहा है, कोर्ट को समझ ही नहीं आ रहा है
कि वो जो काम है वो चोरी है, क्या वो मिस एप्रोप्रिएशन है, राइट, क्या वो एक्सटॉर्शन है, क्या वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब वो अपराध कौन सा है यही समझ नहीं आ रहा है ना। पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट में लिखा है कि डाउटफुल है कि कौन सा अपराध हुआ। अब ए ने जो कार्य किया, अब वो कार्य चोरी है कि मिस एप्रोप्रिएशन है कि एक्सटॉर्शन है कि सीबीटी है, यही समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे संबंध में उसको पनिशमेंट जो होगा वो किस अपराध के लिए होगा, वो सिर्फ उसी अपराध के लिए होगा जो सबसे कम लेस पनिशेबल होगा। किसके लिए? लेस पनिशेबल, जो सबसे कम सजा जिस अपराध का होगा, जैसे कि चोरी का अगर कम है तो चोरी के लिए वो हो जाएगा उसको सजा, राइट। ये हो गया 71। बस दो तीन सेक्शन है बाबू, रुक जाइए, दो तीन सेक्शन के बाद ब्रेक हो जाएगा, है ना, डोंट वरी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 72 भी क्लियर हो गया आपका, 1 2 70 क्लियर। 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होता है ना, जिसको काल कोठरी में डालते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ उसी इंप्रिजनमेंट के केस में हो सकता है जिसका, जो कि रिग्रेस है। जिस व्यक्ति को रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगा उसी को काल कोठरी में डाला जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, राइट। तो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लागू होता है। और एक और बात नोटिस करने वाली बात है कि जब 73-74 को पढ़ते हैं अगर हम लोग, तो पहला बात कि ये है, आपको बताते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना? मतलब प्रोटेक्शन के बारे में बात करें, अगर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में जो बात किया गया था वो किस केस में किया था? सुनील बत्रा केस में, राइट, सुनील बत्रा वर्सेस, कहीं कहीं देखो यूनियन ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है और कहीं कहीं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो सुनील बत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात की गई थी, एक बात। दूसरी बात कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब भी होगा तो सिर्फ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के केस में होगा, सिर्फ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट के केस में ही होगा। और मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना हो सकता है, अगर हम इसको जोड़ दे 74 को भी पढ़ ले, तो लिमिट के बारे में बात करता है 74, तो वो 3 मंथ से अधिक नहीं हो सकता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जब भी होगा तो मैक्सिमम कितना है, 3 मंथ, राइट। अब देखिए यहाँ पे 3 मंथ होगा उसको मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो कब कब कैसे, अगर मान लो हम ये बोले, अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है कि अगर हम आपको ये बोलते हैं कि जिस ऑफेंडर को पनिशमेंट हुआ है ना, उसको अगर हुआ है मान लीजिए 6 महीने का, 6 मंथ का हुआ है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितना होगा, 1 मंथ का, राइट। अगर उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ 6 मंथ से अधिक और 1 साल के भीतर, तो उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने का हो जाएगा, राइट। अगर 1 साल से अधिक हुआ है तो फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 महीने का होगा, लेकिन 3 महीने से अधिक नहीं होता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये भी बात समझ में आपको आ ही गया। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है समझना वो ये है, हाँ, तो कब एक महीना, कब 2 महीना, कब 3 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगा, ये भी समझ में आ ही गया आप लोग। बहुत बढ़िया आप लोगों का चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ समझने वाली और भी बात है 74 में, वो क्या है ये समझा देते हैं आपको। अभी 74 खत्म नहीं हुआ है। 74 क्या कहता है देखिए, 74 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो क्या है कि अगर हम आपको ये बोले कि क्या मैक्सिमम लगातार 14 दिन तक हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, तो 14 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 14 डेज। लगातार किसी व्यक्ति को 14 दिन से अधिक का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं होगा, राइट। दूसरी बात, एक बात याद रखना कि अगर पनिशमेंट जो एग्जीक्यूट हो रहा है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, वो हो रहा है क्या, अगर व्यक्ति को मान लेते 1 साल का हुआ है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, R फॉर रिग्रेस, I फॉर इंप्रिजनमेंट,
और इस रिग्रस इंप्रिजनमेंट में उसको काटना है टोटल 2 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, 2 महीने का एस पे सॉलिटरी, सी फॉर कन्फाइनमेंट। तो अगर हर महीना, अगर एक एक महीना करके उसका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कटेगा, तो प्रत्येक महीना में ना 7 दिन से अधिक नहीं हो सकता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, प्रत्येक महीना सात दिन से अधिक नहीं होगा, हर महीना सात दिन करके, है ना, इस तरीके से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कटेगा। तो मैक्सिमम लगातार 14 दिन तक नहीं हो सकता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, और अगर प्रत्येक महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट अगर कटना है प्रत्येक महीना करके, तो हर महीना 7 दिन से अधिक नहीं होगा, राइट। ये याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये हो गया आपका, इसी के साथ सेक्शन 73(4) खत्म, पूरा एक एक चीज को आपको समझ में आ गया 74 का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए 75 को देखते हैं। 75, इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। अगर अपराध चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के अंतर्गत हो रहा है, अगर अपराध 12 या 17 के अंतर्गत हो रहा है, एक ए नाम का व्यक्ति है और उसने क्या किया, मान लेते हैं कि उसने चोरी करी, 379 के अकॉर्डिंग ऑफेंस किया, तो फर्स्ट टाइम पहले बार करने के लिए उसको कितना सजा होगा, 3 साल का सजा होगा, राइट। लेकिन अगर उसने दोबारा कर दिया, तो वही अपराध अगर सेकेंड टाइम दोहराया, तो सेक्शन 75 कहता है कि अगले बार अगर सेम ऑफेंस को किया उसने, तो 3 साल का सजा नहीं होगा उसको 10 साल, या फिर उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। तो इसी के साथ आपका एक चैप्टर 3 खत्म हो गया, राइट। चलो चैप्टर 3 कंप्लीट। चैप्टर 4 पे अगर आए, चैप्टर 4 को शुरू करें, इट्स टाइम टू ब्रेक, राइट। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए फटाफट आप लोगों के लिए। बस इसमें आपको करना क्या है कि आपको वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है ना, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा जरूर, वीडियो को हर जगह फैलाइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, राइट। 5 मिनट्स ब्रेक।
जब तक ब्रेक है ना तब तक आप लोग दबा के शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लगातार शेयर करते रहिए। चलिए तैयार हैं आप लोग? वेरी गुड। फिर से अब एक बार एक सेशन को हम लोग करते हैं शुरू, राइट? एकदम बड़े ध्यान से समझिएगा बातों को। मजा आ रहा है आप लोगों को? एग्जैक्टली जीतन कुमार सिंह जी, एग्जैक्टली वी आर लाइव ऑनली। तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं, आप लोग तैयार है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज सब आ जाएं, वेरी गुड। रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए रुकेंगे नहीं।
आपका ये क्लास अभी बंद नहीं होगा, ये याद रखिएगा, अभी चलता रहेगा पूरा। नाउ कंटिन्यू विद दिस सेशन, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर नंबर 4, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात की जा रही है। जनरल एक्सेप्शन मीन्स टू से, इसमें आप अभी जनरल एक्सेप्शन को देखेंगे और 76 से 106 बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, तो एक एक करके बारीकी समझते हैं। 76 जनरली आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति ने कार्य किया है और वहां यहां पे देखिए व्यक्ति ना बाउंड है, कार्य करने के लिए बाउंड है, वो बाउंड है बाय लॉ टू डू। अब ये जो बाउंडेशन है वो अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, या वो खुद को बाउंड समझता है अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय लॉ। बाउंडेशन उसको बाय लॉ है लेकिन वो तथ्य की भूल में है कि वो लॉ से बाध्य है। मतलब कि अगर एक एसपी, अगर एसपी मान लीजिए एक कांस्टेबल को कह दिया कि गोली चलाइए भीड़ पे, तो ये जो कांस्टेबल है ये खुद को समझ रहा है कि कानून के दृष्टिकोण से हमको अपने ऊपर के पदाधिकारियों के बातों को मानना पड़ेगा, है ना। ये खुद को बाउंड समझा बाय लॉ अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ये भैया कांस्टेबल बच जाएगा, है ना, बच जाएगा, राइट। तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मिल जाता है डिफेंस। लेकिन अगर बात करें मिस्टेक ऑफ लॉ का, तो आप किसी का खून कर दीजिएगा, आप किसी का खून कर दो और बोलो क्या कि जा हमको तो पता ही नहीं था कि एक दूसरे को मारना अपराध है। अब आप ट्रैफिक लाइन को क्रॉस कर लो, है ना, आप ट्रैफिक रूल को तोड़ो और बोलो जा हमको तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि मैक्सिम कौन सा आता है, यूज होता है मैक्सिम, पता है, वेरी गुड, इग्नोरेंसिया, इग्नोरेंसिया फैसिट, इग्नोरेंसिया फैसिट एक्सक्यूसेट, है ना। तथ्य की भूल क्षमनीय है लेकिन इग्नोरेंसिया लेगिस नेमिनम एक्सक्यूसेट, है ना, लेकिन लॉ का भूल क्षमनीय नहीं है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 77 में आते हैं, जज भी तो निर्णय देता है मृत्यु दंड क्यों नहीं उसको, वो भी तो अपने आदेशों से, अपने आदेशों के कारण किसी व्यक्ति का जान ले रहा होता है, लेकिन वो क्यों बच जाता है, क्योंकि 77 के अकॉर्डिंग जज को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। फिर 78 आप देखो कि एक्ट डन इन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जल्लाद भी तो फांसी देता है, जल्लाद भी तो फांसी पर लटकाता है, वो जो कार्य कर रहा है वो तो अपराध, वो तो मर्डर होना चाहिए लेकिन वो बच गया क्यों, 78 प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, राइट। देन आगे बढ़िए 79 में, तो 79 में भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है ना वो जस्टिफाइड है उस कार्य को लेके, मतलब वो न्यायोचित कार्य कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि 79 के अकॉर्डिंग अगर बात करें, 79 के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, तो देखिए अगर ए नाम का व्यक्ति है, अगर ये देखता है, अगर ये देखा कि बी को ना, बी को सी मार रहा है ना, बी सी बी का डेथ कर रहा है, तो एक्चुअली में क्या था कि एक्चुअली में ये देख के प्रतीत किया कि सी बी को मार रहा है, लेकिन यहां पे हो क्या गया कि ये सी को, ये बी को बचाने के लिए ये आगे कूद गया और बी सी को पकड़ लिया, है ना, इसको होल्ड कर लिया, हाथ पकड़ लिया कि तुम नहीं मार सकते हो बी को, जबकि रियलिटी क्या था कि सी अपने आत्मरक्षा में बी को मार रहा था। ए जो दृष्टिकोण से देखा, जिस सिचुएशन को वो देखा, उस सिचुएशन में उसको लगा कि सी बी का हत्या करना चाहता है, तो एक व्यक्ति के पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना कि वो खुद को और दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकता है अगर बात जीवन की हो गई, तो ए प्रोसीड किया और सी को रोक लिया, जबकि रियलिटी क्या था कि सी अपने आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था, तो ए अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो जो कार्य किया वो न्यायोचित है ना। अगर आप किसी का जान देख रहे हो जा रहा है तो उसको जान बचाना आपका जिम्मेवारी भी है और आपका, आपके पास ये कानूनी हक भी है, तो इसलिए ए बच जाएगा 79 के अकॉर्डिंग। तो यहां फर्क क्या हुआ 76 और 79 के बीच, जो फर्क है, एक में व्यक्ति बाउंड है तो दूसरे में जस्टिफाइड है, एक में बाध्य है, एक में
न्याय उचित कार्य हो रहा है, बाकी अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्टिंग हो रहा है। देन सेक्शन 80, सेक्शन 80 में क्या है, एक चीज याद रखिए कि सिर्फ एक्सीडेंट हो जाने से डिफेंस नहीं मिल जाता है, एक्सीडेंट हो जाने से डिफेंस नहीं हो जाता है, राइट। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिना क्रिमिनल इंटेंट या नॉलेज के भी होना चाहिए, जो कार्य किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, जिस मैनर में किया जा रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, और जिस मींस माध्यम का इस्तेमाल करके किया जा रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए, और प्रॉपर केयर और कॉशन लिया गया हो। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल हम आपको देते हैं और आपको क्लेरिफाई करते हैं। देखिए, एक ए नाम का व्यक्ति है, 80 को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 80 हम आपको समझा रहे हैं। देखिए दो सिचुएशन है यहां पे, आपके पास दो सिचुएशन है, राइट। अब पहला नंबर सिचुएशन का हम बात करें अगर हम, तो पहला सिचुएशन में हम अगर देखें तो ए क्या कर रहा है, अपने घर के छत को साफ कर रहा है, अपने घर के छत को ना, इसके घर के ऊपर बर्फ का बड़ा बड़ा पत्थर आ गया है बर्फ का, तो और इधर से रास्ता है जाने का, इधर से जाने का रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में ना अमूमन, इस रास्ते में अमूमन जनरली नो पब्लिक वॉक, आमतौर पे इस रास्ते पे कोई पब्लिक चलता नहीं है, आमतौर पे इस रास्ते पे पब्लिक चलता नहीं है, राइट। तो अब यहां पर हुआ क्या कि जब ये पत्थर फेंका, तो पत्थर जब फेंक रहा है अपने छत को साफ करने के लिए, तो क्या किसी का इरादा है उसका दिमाग में कि किसी का डेथ करना है, कुछ इरादा है नहीं है। तो यहां पे ए अगर बड़ा बड़ा पत्थर फेंका और गलती से उस दिन क्या हुआ, बी नाम का व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा, तो क्या ए लाइबल हो जाएगा, ए और वो पत्थर अगर बी के सर पे पड़ गया और बी की मृत्यु हो गई, तो ए जिम्मेवार हो गया किस अपराध के लिए, बताइए। तो ए ने कौन सा अपराध किया, ए ने कौन सा अपराध किया, उसने कार्य किया विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, बी का जान लेना नहीं था। दूसरी बात देखो, वो जो काम कर रहा है वो लॉफुल है, काम करने का तरीका भी लॉफुल है, है ना, काम जिस माध्यम से कर रहा है वो भी लॉफुल है, लेकिन लायबिलिटी जो आ गई वो क्यों आ गई, क्योंकि उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं लिया, है ना, पूरी तरीके से सावधानी नहीं बरती, तो इसलिए उसको 80 का डिफेंस मिलेगा नहीं। तो अपराध तो हुआ, तो अपराध जो हुआ वो कौन सा अपराध हुआ, वेरी गुड, वो अपराध हुआ 304 ए, डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, है ना। अर्थात दूसरा नंबर अगर हमसे पूछेंगे कि अगर वो ये साइन बोर्ड दे देता, अगर ये साइन बोर्ड लगा देता कि भैया खतरा इस रास्ते से सोच समझ के गुजरिए, और तब पत्थर फेंकता और बी उस रास्ते से गुजरता साइन बोर्ड को देखते हुए नजरअंदाज करते हुए, और बी के सर के ऊपर पत्थर गिरता, बी मर जाता, तो लायबिलिटी आती क्या, नहीं आती, राइट, तो लायबिलिटी नहीं आती, है ना, तो वो बच जाता क्योंकि उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन ले रखा था। इज इट क्लियर। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको समझने होते हैं। तो 80 सिर्फ एक्सीडेंट हो गया तो डिफेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। उसके बाद बात करते हैं 81 का। 81 जब बात करें तो बात होता है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का, राइट, आवश्यकता के कारण अगर आपने कोई कार्य किया, आपका कार्य करने के पीछे का जो इरादा था वो आपराधिक नहीं था, तो आप बच जाइएगा। मतलब कि मान लो, ये जनरल रूल भी आप देखोगे हमेशा ये होता है, ये इलस्ट्रेशन पूछता है कि चार पांच घर है ना, चार पांच घर है, एक घर में आग लग गया, एक घर में आग लग गया है, अब ए नाम का व्यक्ति है वो देख रहा है कि अगर इस घर को तोड़ा नहीं गया ना, तो ये आग इन तीनों घर में भी लग जाएगा, तो कार्य करने के पीछे क्या उसका आपराधिक मनसा था, क्या क्रिमिनल इंटेंट था, नहीं, क्रिमिनल नॉलेज था, नहीं, वो तो इन तीनों को, इन तीन घर को बचा रहा था, आवश्यकता थी करने की उस कार्य को, तो ए ने क्या किया, इस घर को तोड़ दिया, है ना। अब ये तोड़ दिया तो आग इस घर तक ही रह गया, ये तीन घर बच गया। अब इस घर का जो मालिक था बी, अगर वो आ गया और ए के खिलाफ बोलता है क्या कि हाउस ब्रेकिंग ये किया है,
तो यहाँ एक बात बताइए, इस घर को तोड़ने के लिए अगर बी ए के खिलाफ केस करेगा तो क्या केस बनेगा? नहीं बनेगा। ए डिफेंस ले लेगा सेक्शन 81 का। ठीक उसी प्रकार आप देखते हो ना कि एक नाव में 20 लोग हैं, पानी भी एक नाव में 20 लोग हैं और वजन अधिक हो गया, तो कैप्टन क्या किया, नाव डूबे ना, इसलिए उन सारे लोगों का जो सामान था फेंक दिया पानी में, नदी में, है ना, समुन्द्र में। तो अब क्या वो सब लोग केस कर देगा कैप्टन पे कि मेरा सब सामान का नुकसान हुआ, दीजिए? नहीं, क्योंकि आवश्यकता थी, राइट। तो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में आप बच जाते क्योंकि आवश्यकता होती है उस कार्य को करने के लिए, और आपने क्रिमिनल इंटेंट के आधार पर तो कार्य किया नहीं है, है ना। चलिए अब देखिए, कुछ बड़े अपराध को रोकने के लिए, कुछ बड़े अपराध को रोकने के लिए आपने छोटा अपराध किया विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन नॉलेज, तो वो क्षमनीय होता है अंडर सेक्शन 81, राइट। अब यहां लेकिन आता है बात, एक हमको बात बता दीजिए, इसमें क्या बोला, जब बात डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का आता है ना, बात डिफेंस ऑफ नेसेसिटी का आएगा तो एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इंग्लिश केस दैट इज रेडिंजर वर्सेस फोगोसा का, इसमें बोला गया था प्रिवी काउंसिल के द्वारा कि अ मैन कुड ब्रेक द वर्ड्स ऑफ द लॉ नॉट द जिस्ट। आप कानून के शब्दों को तोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कानून का उद्देश्य नहीं टूटना चाहिए। अगर आप किसी एक घर को तोड़ रहे हो तो कानून के अनुसार वो एक अपराध है, लेकिन कानून का जो उद्देश्य है वो नहीं टूट रहा है, राइट। इसी बात को समझाया गया था रेडिंजर वर्सेस फोगोसा का केस में। और जब बात डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का हो, सेक्शन 81 का हो, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का बात कैसे नहीं होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का बात कैसे नहीं होगा। तो यहां पे अगर हम आपसे यह पूछे कि दो जान को बचाने के लिए क्या आप किसी एक का जान ले सकते हो, दो जानों को बचाने के लिए क्या आप किसी एक का जान ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं? आप अगर जान दे नहीं सकते हो तो जान ले भी नहीं सकते हो, राइट। तो केस तो पता कि एक वेज पे समुद्री यात्रा पे तीन लोग निकले, उसमें एक बच्चा था, और हुआ क्या कि वो जो नाव था वो रास्ता भटक गया, और रास्ता भटक गया तो जो जितना भी खाना पीना था सब खत्म हो गया उन लोगों के पास। ऐसा समय आया कि इन लोगों को कुछ दिन तक भूखे रहना पड़ा, और जो बच्चा था वो बहुत दिन तक भूखा रहने के कारण कमजोर पड़ गया। अब वो दो लोग जो नाव में थे वो सोचे क्या कि तीन के मरने से बेहतर है कि बच्चा जो मरने वाला है क्यों ना इसको मार के इसके शरीर का मांस खा ले, और कुछ दिन तक जिंदा तो रहेंगे। वो दोनों मिलके बच्चे को मार दिया जो मरने वाला था, मार दिया, मांस उसका खाया शरीर का फ्लैश, और बच भी गया, और नाव समुद्र तट तक पहुंच भी गई, बात कोर्ट तक गया। कोर्ट में गया तो ये दोनों कहता है कि हम लोग तो अवॉइड द बिग हार्म, दो जानों को बचाने के लिए एक जान को लिया गया, तो ये तो जस्टिफाइड है ना, ये तो जरूरी था, आवश्यकता था। नहीं, रिव्यू काउंसिल बोली नहीं, नो, नॉट अलाउड। आप नेसेसिटी के आड़ में आप किसी का जान नहीं ले सकते हो, आप किसी को जान दे नहीं सकते हो, तो आपको हक नहीं जान लेने का, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का, जिसमें आपको पढ़ना पड़ता आर वर्सेस डुडलेन स्टेफन का केस, राइट। आर वर्सेस डुडलेन स्टेफन का केस आपको पढ़ना पड़ता है ना, आर वर्सेस डुडलेन स्टेफन, वेरी गुड। चलिए, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे आपको समझ में एकदम अच्छे से आ रहा होगा 82, जिसमें आप देख रहे हो कि एक बच्चा, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं डोली इन कैपेक्स का अगर बात करें, तो एक बच्चा अगर मान लीजिए 7 से कम उम्र का है, तो वो कोई अपराध करेगा? नहीं कर सकता, एकदम एब्सोल्यूट क्वालिफाइड है ना, एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, राइट, कर ही नहीं सकता है। किसी का खून भी कर दिया 7 से कम उम्र का बच्चा तो बच जाएगा। 83 में क्या हो रहा है कि 7 से अधिक है लेकिन 12 से कम है, 7 से 12 के बीच है, प्लस इमैच्योर होना चाहिए, मतलब वो जो कर रहा है उसका क्या सीक्वेंस होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसको पता ही नहीं है, तो 83 में वो बच जाएगा, राइट, माना जाएगा वो कोई अपराध नहीं किया, ये क्वालिफाइड प्रिविलेज हो गया, क्वालिफाइड प्रिविलेज हो गया, राइट, ये क्वालिफाइड प्रिविलेज हो गया, है ना। उसके बाद आता है 84। अच्छा, एक बात बताओ,
अगर हम आपसे एक सवाल पूछे आप लोगों से, हाँ कंक्लूजिव प्रिजम्पशन है, वेरी गुड। 82 में क्या है? कंक्लूजिव प्रिजम्पशन है, कंक्लूजिव और इररिवर्टिबल है ना, कंक्लूजिव के साथ ये भी जोड़ लीजिए, इररिवर्टिबल है ना, आप रिवर्ट नहीं कर सकते हो। और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 83 में कि इनकंक्लूजिव और रिबटेबल प्रिजम्पशन 83 में। एक बात हमको बताइए आप लोग कि अगर एक 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर किसी का मर्डर कर दे, राइट, तो क्या उसको अरेस्ट किया जाएगा? एक ए नाम का व्यक्ति है, एक ए नाम का व्यक्ति है, उसका उम्र 6 साल है और उस पर एलिगेशन लगा है कि उसने बी का डेथ कर दिया है, ही काउज डेथ है ना, डेथ काउज कर दिया है बी का, 6 साल का बच्चा, अब इसको अरेस्ट किया जाएगा, क्या इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की जाएगी, यस और नो, ये हमको बता दीजिए थोड़ा सा, कितने लोग का क्या कहना है? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, सब कुछ होगा अब, वेरी गुड, एकदम 100% यस है ना, 100% यस, क्योंकि वो अरेस्ट भी होगा, क्योंकि ये सब जो प्रक्रिया है ना बिफोर ट्रायल, ट्रायल के पहले प्री ट्रायल स्टेजेस है ये, क्योंकि कोर्ट तक जब तक मामला नहीं जाएगा तब तक ये प्रमाणित कैसे होगा कि बच्चा जिस वक्त अपराध किया था उस वक्त उसका उम्र कितना था? तो ये तो कोर्ट में जाके ना प्रमाणित होने की बात होती है और डिसाइड होता है कि वो है कि नहीं है, 6 साल 7 साल का, 7 से कम का कि नहीं, राइट। तो यही समझना होता है, अगर आपसे एक सवाल बोर्ड मेंबर कर लेगा इंटरव्यू में तो फंसना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कम टू द पॉइंट इज दैट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। देखिए अगर बात करें 84 का, तो सीधा बात, एक पगलेट आदमी कुछ करेगा, अब पगलेट का मतलब क्या, देखिए यहां पे आपको इधर लेफ्ट, आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, पगलेट का मतलब क्या, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या, कहीं डिफाइन किया गया क्या अनसाउंड माइंड को आईपीसी में? कहीं पे भी आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है। तो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या, तो इडियट, लुनैटिक, नॉन कॉम्पस मेंटिस, माइंड डिजीज्ड पर्सन, और यहां पे लिख रहा है इररेसिस्टिबल इंपल्स। अब एक बात याद रखिएगा कि जो इररेसिस्टिबल इंपल्स है ना, इज नॉट अ डिफेंस, ये डिफेंस नहीं है, नॉट अ डिफेंस इन इंडिया, अब ये भारत में भी डिफेंस नहीं है और ना ही ये इंग्लैंड में डिफेंस है, राइट, ना ही ये इंग्लैंड में, कहीं पर डिफेंस नहीं है इररेसिस्टिबल इंपल्स, ये याद रखने की चीज है। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या, सर उस बच्चे को पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी ना, नहीं पनिशमेंट कैसे मिलेगी, पनिशमेंट मिल नहीं सकती क्योंकि प्रमाणित अगर हो गया तो वो बच जाएगा। तो अगर आप देखोगे अनसाउंड माइंड को, तो कहने का मतलब जो फर्क नहीं कर पाएगा गलत और सही के बीच, राइट और रॉन्ग के बीच जो फर्क ना कर पाए, राइट, जो नेचर को समझ नहीं पाए वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, राइट, तो ऐसे लोगों को कहते हैं हम लोग अनसाउंड माइंड, राइट। अब एक बात तो आपको पता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड मेडिकल इंसैनिटी है ना, फर्क है, लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी में फर्क होता है। आपको लीगल इंसैनिटी के ग्राउंड पे डिफेंस मिल जाएगा, लेकिन आपको मेडिकल इंसैनिटी के ग्राउंड पे डिफेंस कभी नहीं मिलेगा। और ये जो बात हम अभी आपको बोले कि दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीगल इंसैनिटी एंड मेडिकल इंसैनिटी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट किस केस में बताया गया था कि लीगल इंसैनिटी का डिफेंस मिलता है मेडिकल का नहीं मिलता है? सोमेश्वर बोरा का केस, ठीक, सोमेश्वर बोरा स्टेट ऑफ असम, याद रखिएगा सोमेश्वर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ असम के केस में बताया गया था। और 84 का जब बात हो और कुछ केस आपके दिमाग में ना आए तो बेकार है। जो इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस अर्नोल्ड का, मैगनॉटन का, मैगनॉटन के रूल के, आप जो आज पढ़ रहे हो आईपीसी में अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को कि ये होता है अनसाउंड माइंड, दोज हु नॉट कैपेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दोज हु नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर और इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट व्हाट एवर ही हैव डन, तो वे अनसाउंड है। ये बात डिस्कस सबसे पहले
इंग्लैंड में हुआ था मैग्नाटन के केस में, मैग्नाटन रूल के केस में इवॉल्व हुआ था कि इन लोगों के, इन लोग, इन प्रकार के लोगों को हम अनसाउंड कहेंगे, और उसके बाद इसी चीज को ना सीधा छाप दिया गया आईपीसी के 84 में, राइट, ये याद रखिएगा। और आर वर्सेस अर्नोल्ड का बात जब भी आए, तो एक व्यक्ति अगर सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो पागल है, ये याद रखिएगा। आर वर्सेस अर्नोल्ड, एक व्यक्ति जो सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पा रहा है मतलब कि वो पागल है, है ना। अनसाउंड है लीगली, मेडिकली हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लीगल इंसैनिटी का आपको डिफेंस मिलता है, लेकिन मेडिकल का नॉट अवेलेबल, अवेलेबल नहीं है भैया मेडिकल इंसैनिटी का डिफेंस, राइट। तो दो केस भी आपको समझ में आ गया जब आता 84 का होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंटॉक्सिकेशन। दो प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है भैया, एक है वॉलेंटरली, एक है इनवॉलेंटरली। 85 में इनवॉलेंटरली की बारे में बात किया गया है, और 86 में वॉलेंटरली, राइट। अब देखो, अगर यहां सीधा कहता है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को कोई नॉनसेंस नहीं, वो नॉनसेंस नहीं, नॉनसेंस का अलग अर्थ हो जाता है पचकाना, है ना, बेवकूफ, वो नहीं, सीधा सिचुएशन यही है कि जो बातों को, जो सही गलत के बीच फर्क ना कर पाए, जो अपने द्वारा किए गए कार्यों को, कार्यों के परिणाम को नहीं समझ पे आए, या जो कर रहा है वो क्या कर रहा है उसको वो समझ ना आए, तो वो पागल है, और पागल है तो उसको डिफेंस मिलेगा। 85 में आइए, क्या कहता है कि अगर मान लो एक व्यक्ति को जोर जबरदस्ती इच्छा के विरुद्ध, है ना, अगर इच्छा के विरुद्ध अगर उसको पिला दिया गया, और उस इंटॉक्सिकेशन के कारण अब सिचुएशन यह है कि वो व्यक्ति अब इनकैपेबल हो गया है, उस जबरदस्ती उसके अंदर जो गया नशीला पदार्थ ड्रिंक, उसके कारण अब वो उस सिचुएशन में चला गया है कि अब वो इनकैपेबल है, कि जजमेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर इस सिचुएशन में अगर उसने कोई कार्य किया तो वो कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, वो बच जाएगा, राइट, वो बच जाएगा, वो बच जाएगा, इज इट क्लियर। तो यह इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए इंटॉक्सिकेशन। लेकिन 86 में अगर बात करें, अगर आपसे ये पूछे कि व्यक्ति खुद पी लिया और खुद पी के चला के किसी को डेथ कर मार दिया, तो खुद पी के जाके किसी का हत्या कर देगा तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा वो, राइट, जनरल रूल। लेकिन सिचुएशन ये भी समझिएगा 86 में, एक व्यक्ति खुद तो पिया, दो बात है 86 में, 85 तो क्लियरली आप क्लियरली समझ में आ गया आपको कि जबरदस्ती कोई किसी को पिलाया और उसको पीने के बाद वो उस सिचुएशन में चला गया है जहां पे वो समझ, जजमेंट ही नहीं फॉर्म कर पा रहा अपने द्वारा किए गए कार्यों का, तो उस सिचुएशन में हुआ अपराध तो वो बच जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा 85। लेकिन 86 का जब हम बात कर रहे हैं तो 86 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है समझना कि अगर व्यक्ति खुद से पीता है और खुद पीने के बाद कोई अपराध करेगा तो उसको डिफेंस मिलेगा, तो 100% लोग, आप लोग बोलिएगा नहीं मिलेगा, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन एक्सक्यूजेबल नहीं होता है। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है ये समझा दे आपको हम थोड़ा सा। सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति ने खुद ही पिया, है ना, सेल्फ इंटॉक्सिकेशन है, खुद ही पिया, लेकिन पीने के बाद अब वो उस स्टेज में पहुंच गया है जहां पे होता है ना कि व्यक्ति, आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खुद पिए और खुद पीने के बाद उस सिचुएशन में चले गए हो जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार हमको क्या हो रहा है, हम अब कैपेबल ही नहीं कि कोई रैशनल जजमेंट फॉर्म कर पाए, है ना, आप अपना सुध-बुध खो चुके हो, अब इतना आप ले लिए हो। तो उस अवस्था में अगर आपसे कोई कार्य हो भी गया ना तो आप बच जाओगे, क्योंकि आप बच इसलिए जाओगे क्योंकि कोई भी अपराध को करने के लिए एक स्पेसिफिक इंटेंट की जरूरत होती है, और उस वक्त उस सिचुएशन में आप कोई स्पेसिफिक इंटेंट फॉर्म करने में अयोग्य हो तो आपको डिफेंस मिल सकता है, राइट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको जो डिफेंस मिल जाएगा यहाँ पे वो 86 का मिले ना मिले, आपको 84 का मिल जाएगा। तो 84 और 86 के बीच में क्या रिलेशन है ये समझ में आ गया, 84 और 85 के बीच क्या रिलेशन है
ये भी आपको दिमाग में चला गया। अब देखिए, वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो एक्सक्यूज फॉर कमीशन ऑफ क्राइम। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस केस में। जनरल रूल के हिसाब से तो आपको ही पता है, जनरल रूल के हिसाब से तो आपको भी पता है ये बात कि स्वेच्छापूर्ण तरीके से पिया गया अगर हो तो उसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। केस याद रखिएगा, मिर्जा गनी बेग स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मिर्जा गनी बेग वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस, राइट ना। लेकिन वो भी याद रखना है 86 में कि इतना पी लिया खुद से कि अब उस अवस्था में पहुंच गया कि जहां पे वो अनेबल है टू अंडरस्टैंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, द रॉन्ग सही गलत में फर्क करने में अगर वो सक्षम हो गया है डिफेंस तो मिलेगा, लेकिन 86 का नहीं मिलेगा, 84 का मिल जाएगा उसको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। 86 के बाद 87 पे आते हैं फटाफट। 87 देखिए, बात 87 का अगर करें तो कहता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड नॉट नोन टू बी लाइकली टू बी काउज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। एक ए नाम का व्यक्ति है, एक वी नाम का व्यक्ति है। अब यहां पे पहला बात कि 87, 88, 89 ये तीनों जो जिस मैक्सिम से जुड़ा हुआ है वो है डिफेंस ऑफ कंसेंट का, ठीक है, डिफेंस ऑफ कंसेंट। जब भी बात आपसे पूछेगा डिफेंस ऑफ कंसेंट से जुड़ा हुआ सेक्शन कौन सा है तो 87, 88, 89। 87 में क्या होता है, एक व्यक्ति ने अनुमति दे दिया, राइट, ए और बी बोला कि हम दोनों मिल, यहां पे बी बोला ए को कि ठीक है तुम मेरे अगेंस्ट कोई कार्य करो, सहमति दे दिया कि तुम मेरे अगेंस्ट जो कार्य करना चाहते हो करो जो करना है। अब यहां पे ए उस कार्य को तो कर रहा है बी के खिलाफ, लेकिन उसका इरादा नहीं है बी को डेथ करने का, इरादा नहीं है, ना ही पता है कि उससे डेथ हो जाएगी या उससे उसकी उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। और कंसेंट देने वाला व्यक्ति दैट इज कि बी, उसका उम्र 18 साल है, राइट। तो अगर मान लो वो कार्य बी के खिलाफ एक किया, राइट, बी के खिलाफ वो कार्य किया, बी कंसेंट किस बात का दिया था कि आप कोई छोटा मोटा हार्म कर सकते हो, राइट, आप कोई छोटा मोटा हार्म कर सकते हो, राइट, लेकिन डेथ नहीं करना, ग्रीवियस हर्ट नहीं करना, इसका कंसेंट नहीं था, कोई छोटा मोटा हार्म कर सकते हो, है ना। और बी का उम्र 18 साल से अधिक है, 18 साल है। तो यहां पे अगर मान लो ए ने कोई कार्य किया और अगर बी उस सिचुएशन में मर भी गया तो बच जाएगा, ए बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा, राइट। तो यहां पे दो चीजें याद रखिएगा आप लोग, यहां पे जो बात याद रखना है कि कंसेंट देने वाला व्यक्ति का उम्र 18 से प्लस होना चाहिए, 18 या उससे अधिक, मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, राइट, और कंसेंट जो दिया गया जिस एक्ट के लिए वो कंसेंट डेथ का नहीं होना चाहिए, राइट, और ग्रीवियस हर्ट का नहीं होना चाहिए, राइट। तो डिफेंस मिल जाता है 87 के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहां पे जस्ट का वाइस वर्सा भी सेम है, वाइस वर्सा भी सेम है कि अगर एक व्यक्ति आपको सहमति दे रहा है कि मेरा जान ले लो, या एक व्यक्ति सहमति दे रहा है कि ठीक है आप हमको ग्रीवियस हर्ट कर दो, मेरा हाथ तोड़ दो पैर तोड़ दो, आप उसका जान ले लिए, हाथ तोड़ दिए पैर तोड़ दिए, बाद में वो केस कर दिया आपके खिलाफ और आप जाके कोर्ट में बोल रहे हो यही तो बोला था हमको हाथ पैर तोड़ देने के लिए, यही तो बोला था कि जान ले लो मेरा, तो आप बचोगे क्या, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रीवियस हर्ट डेथ करने के लिए डिफेंस ऑफ कंसेंट नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 87। हाँ, लेकिन अगर मान लो ए ने बी को बोला कि ठीक है आप मेरा हर्ट कीजिए और आपका इरादा नहीं था उसको जान मारने का, आपका इरादा नहीं था उसको ग्रीवियस हर्ट करने का, लेकिन आपने कार्य किया उसके खिलाफ और वो व्यक्ति मर गया या उसको ग्रीवियस हर्ट हो गई, तो आपको यहां आप बच जाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बच जाइएगा उस सिचुएशन में, ठीक है। लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी, अभी बताए ना कि लीगल इंसैनिटी का डिफेंस आपको मिलता है, मेडिकल इंसैनिटी का डिफेंस मिलता नहीं है। दूसरी बात कि व्यक्ति लीगली पागल है अगर वो सेक्शन 84 के कंडीशन को पूरा कर रहा है, मेडिकल इंसैनिटी मेडिकल ग्राउंड पे होता है, राइट। अगर मान लो हम हैं, हम अभी पागल हैं, आप पागल हो, लेकिन कुछ समय के लिए क्षणिक पल के लिए भी अगर आप उस स्टेट पे चले गए
जहां पे आप नहीं समझ पा रहे हो गलत सही के बीच में फर्क, ऐसा हो जाता है। आप कभी कभी देखते हो ना कि एक लड़का एक लड़की को छोड़ दिया, एक लड़की ने एक लड़का को छोड़ दिया, उस सिचुएशन का जो दर्द होता है ना, वो सिचुएशन जब होता ब्रेकअप का सिचुएशन है ना, तो उस सिचुएशन में लड़का को समझ नहीं आता कि क्या हो गया मेरे साथ, पूरा उसके आंख के सामने अंधेरा छा जाता है, राइट, पागल था क्या वो। अब उस सिचुएशन में मान लो अगर उस सिचुएशन में उसको कुछ समझ नहीं आया, वो किसी को किसी का पैर तोड़ दिया, कुछ भी किया, तो अच्छा वकील होगा, तो अच्छा वकील अगर हुआ तो वो बचा लेगा, बोलेगा ये पागल हो गया था, उस टाइम तक उस टाइम में वो पागल था, क्योंकि वो उस सिचुएशन में समझ ही नहीं पा रहा था, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था कि सही गलत क्या है या उसके द्वारा किए गए कार्य का क्या परिणाम हो सकता है, राइट, वेरी गुड। तो ये सब चीजें तो आपको पकड़नी पड़ेगी। और उसके बाद 88 एक्ट, जो इस इरादे से नहीं किया गया कि डेथ करना है, लेकिन डन इन कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, डॉक्टर को लेके बात किया जाता है यहां पे। देखते हो जब आप इलाज कराने जाते हो, जब आप हॉस्पिटल जाते हो और ऑपरेशन होने वाला होता है, तो ऑपरेशन करने के पहले आपसे कंसेंट पेपर पे आपका सहमति लिया जाता है। तो एक डॉक्टर इलाज करता है मरीज का, गारंटी दे देगा कि जान बचा देगा? फील तो कर ही रहे हैं अंजुलता जी, फील कैसे नहीं करेंगे, जो कुछ भी है आज उस सिचुएशन के कारण ही यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जा तुझे माफ किया, राइट, माफ कर दीजिए यार, माफ कर दीजिए, क्योंकि माफ करने में जो हिम्मत चाहिए ना वो नहीं। लेकिन अगर तू अब सोचती है कि अब तू आएगी और मैं तेरा हो जाऊंगा, ये असंभव है, राइट। चलिए, तो यहां पे 88 पे आइए। तो डॉक्टर आपका इलाज करता है तो गुड फेथ में करता है ऑपरेशन, राइट, है ना, आपसे सहमति लेके कर रहा है, उसका इरादा तो नहीं कि आपका डेथ कर देना है। लेकिन अगर मान लो आपका डेथ हो गया ऑपरेशन के दरमियान, तो क्या वो डॉक्टर जिम्मेवार हो जाएगा? नहीं, वो बच जाएगा, क्योंकि एक्ट जो हुआ है ना, इरादा नहीं था डेथ करने का, हो गया डेथ, और वो एक्ट किया गया था गुड फेथ में कंसेंट के साथ पर्सन के बेनिफिट के लिए। WWE का यहां नहीं आएगा 80, देखो जब बात आप WWE का कर दिए ना, तो यहां पे फिट कीजिए इसको, WWE को फिट यहां पे कीजिएगा 87 में, राइट। WWE क्रिकेट मैच है ना, फुटबॉल मैच, ये सबको 87 में फिट कीजिएगा, 88 में नहीं, राइट। रेसलिंग क्रिकेट गेम वट एवर हो, तो 87 में दोनों आपस में मिलकर सहमति से खेल रहा है। अब मान लो ऐसा गुस्सा मारा एक रेसलर ने दूसरे को, गुड फेथ में मारा, जान लेना नहीं था, ग्रीवेस हट करना नहीं था, लेकिन हो गया तो भी बच जाएगा 87। और 88 आता है डॉक्टर के लिए कि गुड फेथ में कार्य किया गया, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया, डेथ करने का इंटेंट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर डेथ हो गई तो फिर बच जाएगा डॉक्टर। देन कम टू 89, यहां पे भी आप डॉक्टर का ही इलस्ट्रेशन लो, लेकिन हो क्या रहा है यहां पे कि कंसेंट जो दे रहा व्यक्ति वो बच्चा या पागल है ना। अगर मान लो कि अगर एक फादर अपने बेटे का इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसका बेटे का उम्र 10 साल है, तो वो कंसेंट देने में तो सक्षम है, संगीता जी गुड आफ्टरनून, है ना, वो कंसेंट देने में तो असक्षम है, वो तो खुद कंसेंट दे नहीं सकता है ना, एक बच्चा, उसका कंसेंट का कोई वैलिडिटी भी नहीं है। तो अगर उसके पिता ने उसके बिहाफ में सहमति दिया, तो एक बात हमको बताइए कि डॉक्टर उसके पिता के सहमति पे अगर उस बच्चे का ऑपरेशन किया गुड फेथ में बच्चे के बेनिफिट के लिए, लेकिन फिर भी बच्चा मर गया, तो डॉक्टर को कोई लायबिलिटी आएगा कि डॉक्टर पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगा 89 के अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेक्शन 90 कंसेंट। सेक्शन 90 क्या कहता है कि कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। देखिए ये जो सेक्शन है, सेक्शन 87
अभी आपने देखा 88, 89, ये तीनों को रेगुलेट करता है सेक्शन 90, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट को एक्सप्लेन किया गया है कि कंसेंट भी कैसा होना चाहिए। कंसेंट तो वैलिड होना चाहिए ना, सहमति तो वैलिड होनी चाहिए, तभी सहमति मानी जाएगी। अगर मान लो कंसेंट डर के आधार पर लिया गया हो, राइट, या मिसकंसेप्शन के आधार पर लिया गया हो, या कोई इंसान का कंसेंट है या कोई चाइल्ड का कंसेंट है, तो क्या ये कंसेंट वैलिड है? कंसेंट वैलिड नहीं है, राइट। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या होता है, हम आपको समझा देते हैं। मिसकंसेप्शन का क्या अर्थ होता है ना, ये आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। वैसे भी आप पढ़े हो ना आर वर्सेस विलियम का केस, जब बात हम रेप का करते हैं तो आर वर्सेस विलियम का केस पढ़ते हैं आप लोग, आर वर्सेस विलियम का केस, जिसमें एक म्यूजिक टीचर बोलता है अपने स्टूडेंट को कि सुनो ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर करोगी तुम तो तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। अब लड़की नादान, वो अपना म्यूजिक को और बेहतरीन करने के चक्कर में, मिसकंसेप्शन में कि ऐसा करने से ऐसा होगा, मेरा गला ठीक हो जाएगा, वो सहमति दे दी म्यूजिक टीचर को, और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करता है। लड़की जाके यही बात अपने पिताजी को बोलती है, पिता केस करते हैं विलियम पे कि रेप हुआ है ये, तो विलियम डिफेंस लेता है कि हम तो सहमति से किए हैं और रेप के लिए तो विदाउट सहमति होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ जो सहमति है वो मिसकंसेप्शन के आधार पर लिया गया था और वो वैलिड कंसेंट तब नहीं माना जाएगा, इसलिए फंस गया विलियम, चला गया जेल, गिल्टी माना गया रेप का, राइट। तो ये हो गया सेक्शन 90। क्योंकि एक बात जान लो, कंसेंट देने के लिए जिस मैटर पे कंसेंट दी जा रही है उस मैटर की जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? जिस मैटर पे आप सहमति दोगे, क्या आप सहमति दे पाओगे जब तक उस मैटर पे आपका जानकारी नहीं होगा पुख्ता, है ना? चलिए 91 पे आते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म काउज्ड। अगर एक अपराध खुद में, एक कार्य खुद में अगर अपराध है तो फिर सहमति हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है इसका, आइए समझते 91 को। मिस कैरेज, अगर बात करें 91 का, तो वी हैव टू गो थ्रू मिस कैरेज, है ना, जिसको हम लोग कॉमन टर्म में कहते हैं अबॉर्शन, राइट। एक बात हमको बता दीजिए कि जब बात मिसकैरेज का होगा तो डॉक्टर, एक डॉक्टर है ना, वो एक महिला का मिसकैरेज कर रहा है और डॉक्टर क्या कहता है कि वो तो इस महिला के सहमति से कर रहा था, मतलब उसको इस औरत ने ही बोला था खुद का अबॉर्शन करने के लिए, तब डॉक्टर किया, डॉक्टर बच जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मिसकैरेज खुद में अपराध है 312 के तहत। तो इसलिए इस सिचुएशन में कंसेंट वुमेन का हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चला जाएगा अंदर डॉक्टर, है ना। बस मिसकैरेज एक ही सिचुएशन में जो है पनिशेबल नहीं होता, कि वो उस औरत के जान बचाने के लिए किया जाए तो ही, राइट। चलिए, तो यहां पे ये औरत तो जाएगी ही जाएगी, ये महिला मिसकैरेज जो करवा रही है ये भी जाएगी और डॉक्टर भी जाएगा। डॉक्टर अगर ये बोलता है कि सहमति से किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चलिए, ये हो गया 91। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब एक्सीडेंटल मैटर से जुड़ा हुआ है, ये भी डॉक्टर का ही है लेकिन ये एक्सीडेंटल मैटर है। जैसे कि एक बात बताइए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, अब एक्सीडेंट हो गया है तो व्यक्ति क्या जिसका एक्सीडेंट हुआ वो उठ के बोल सकता है कि पहले मेरा इलाज करो? नहीं ना बोलेगा। तो एक आदमी, एक डॉक्टर के पास एक एक्सीडेंटल केस आया, डॉक्टर देख रहा है कि अगर व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं हुआ ना टाइम के भीतर, विद इन टाइम अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो व्यक्ति ऐसे भी मर जाएगा, तो अभी डॉक्टर क्या करेगा, उस व्यक्ति को उठा के और उसके रिलेटिव से कॉन्टेक्ट किया जा सके ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं बन पा रहा है कि उसके बिहाफ पे कोई आके कंसेंट दे दे। तो ऐसे अवस्था में डॉक्टर उसके जान को बचाने के लिए उस पर ऑपरेशन किया बिना उसके सहमति के, गुड फेथ में,
विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट, लेकिन ऑपरेशन के दरमियान वो व्यक्ति मर गया, तो डॉक्टर का जिम्मेवार होगा? डॉक्टर जिम्मेवार नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 92। विदाउट कंसेंट भी किया जाए, गुड फेथ में होना चाहिए कार्य, पर्सन के बेनिफिट के लिए, तो बच जाता है व्यक्ति करने में। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर हम आपसे ये बोले कि क्या किसी का डेथ काउज, क्या मर्डर, एक बात बताइए तो हमको कि क्या मर्डर बोल के हो सकता है, क्या बाय वर्ड्स, शब्दों से क्या हो सकता है मर्डर, क्या मर्डर शब्दों से हो सकता है, यस और नो? तो बिल्कुल हो सकता है, शब्दों से हो सकता है मर्डर, है ना, शब्दों से हो सकता है मर्डर, राइट, शब्दों से हो सकता है। कैसे? अगर मान लो ए को पता है, अगर मान लेते हैं, दो सिचुएशन समझ लीजिए यहां पे फटाफट। 93 में आते हैं, 93 को देखिए। पहला सिचुएशन, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, हमको बस एक बात बताइए कि एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। ये जो बी है ये डब्लू की वाइफ है, डब्लूज वाइफ। बी कौन है? बी जो है डब्लू की पत्नी है। अब बी के बारे में ए को पता है कि ये हार्ट पेशेंट है, इसको बहुत बार हार्ट अटैक आ चुका है, राइट, और डॉक्टर भी बोल दिया है कि अगर बी को हार्ट अटैक इस बार आया तीसरी बार तो वो राम राम हो जाएगा उसका, ठीक है, है ना। तो राम राम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ए जानबूझ के, ये जानते हुए कि उसको दिल की बीमारी है और फिर भी जानबूझ के ये जानकारी देता है, नॉट इन गुड फेथ, जान लेने के ही इरादे से देता है कि तुम्हारा हस्बैंड मर गया एक्सीडेंट में, जानबूझ के दिया कि ताकि बी भी ऊपर चले जाए। तो एक गिल्टी हो गया ना मर्डर का। लेकिन सिचुएशन नंबर टू का अगर बात करें, सिचुएशन नंबर टू का बात करें, तो एक बात हमको बताइए आप लोग कि अगर एक गुड फेथ में, किस फेथ में, किस इंटेंट के साथ, तो गुड फेथ में सही जानकारी डब्लू बी के, उसके पति के एक्सीडेंट का सही जानकारी गुड फेथ में अगर दे, और उससे अगर बी को हार्ट अटैक आ जाए तो बच जाएगा, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, है ना, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरह, अरे लॉ क्या है, लॉ कुछ थोड़ी है, क्या आप लोगों को अब हार्ड लगता है क्या, जुबान पे हो जाएगा आईपीसी, विश्वास कीजिए आपके ना दिल दिमाग में आईपीसी हो जाएगा सेट। तो आप लोग निश्चिंत रहना, इसको अब खत्म करके ही दम लेंगे, पूरा होल बुक, पूरा बुक, सिर्फ आईपीसी ही नहीं बात कर रहे हम, टोटल, है ना, टोटल पूरा लॉ, जितना भी मेजर पेपर है सब खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ये तो रिवीजन सेशन है, फिर भी मजा आ रहा है आप लोगों को। देन 94 क्या कहता है, एक्ट टू विच पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अगर मान लीजिए कंपल्सन में किया गया कार्य है, ए को, एक ए नाम का व्यक्ति, एक बी नाम का व्यक्ति है, राइट, अब बी बोलता है ए को कि देखो ए तुम्हारी वाइफ जो है ना मेरे कब्जे में है, जाओ जेड के घर में जाके चोरी करके आओ। अब ए बोलता है मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए ना, हम चोरी नहीं करेंगे, गलत है ये करना। बी बोलता है को करेगा कि नहीं करोगे तो तुम्हारी वाइफ को गोली मार देंगे, राइट, अरे सही बात है, देखिए क्लास में मजा आना चाहिए बस, है ना, वेरी गुड। तो यहां पे अगर ए जबरदस्ती, इच्छा नहीं था, जबरदस्ती डर के कारण चला गया कि मेरी वाइफ को जान मार देगा, अभी चोरी करके आ गया, अब चोरी करके आ गया तो ये जो जेड है एक खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में जाके चोरी का, तो कोई लायबिलिटी आएगा क्या? नहीं आएगा ए पे कोई लायबिलिटी, क्योंकि कंपेल्ड एक्ट है,
जबरदस्ती कराया गया है। और मैक्सिम तो याद ही है ना, मैक्सिम 94 को जब पढ़ते हैं तो मैक्सिम याद रखिएगा। 94 का मैक्सिम क्या है? एक्टस एक्टस मी इन वीटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स एक्टस एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट, मेरे इच्छा के द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं माना जाएगा। तो चोरी तो जबरदस्ती कराया गया उससे, तो उसका कार्य कैसे माना जाएगा, राइट? लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप देख रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ रहे हैं, क्या ये मर्डर के केस में लागू होगा? थोड़ा बताइए तो हमको, थोड़ा बताइए हमको कि ये बात मर्डर के केस में लागू होता है क्या? क्या ये बात ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विथ डेथ के केस में लागू होता है क्या? क्या इन केस में लागू होगा क्या सेक्शन 94? तो सेक्शन 94 नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा। मतलब अर्थात ये हुआ कहने का कि अगर ए ने बी को कंपेल किया कि जाके सी का मर्डर कर दो, कंपेल किसी भी तरीके से किया सकता है ना? कहने का अर्थ ये है कि अगर ए बोला बी को कि तुम नहीं मारोगे सी को तो तुम्हारे पिताजी को हम मार देंगे, ए बोला बी को समय रुक जाइए, ऊपर वाला तहलका मचा दिया है। जी हां, ऊपर वाला तहलका मचा रहा है, कुछ समय रुकिए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलना हमारा काम है, चलते रहेंगे। पावर कट हो गया है, पावर कट हो गया है, कोई बात नहीं है। वही तो हमको लग रहा था कि भगवान इतना मेहरबान कैसे हो गया हम पे इतना दिन देर तक। हाँ तो हम लोग यहाँ पे थे, राइट? तो 94 में दिख रहा है आप लोगों को,
वेरी गुड। तो 94 क्या कहता है कि एक बात तो समझ में आ ही गया आप लोगों को कि ये मर्डर के केस में लागू नहीं होता, राइट? ये ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट एंड दैट इज ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, पनिशेबल विथ डेथ, है ना, पनिशेबल विथ डेथ, लागू नहीं होगा। मतलब कि अगर आप किसी का खून करने के लिए किसी को कंपेल करोगे और जो कंपेल्ड पर्सन है खून कर देगा और आके कोर्ट में बोलेगा कि हमसे जबरदस्ती कराया गया है, तो फिर ये लागू वो नहीं बचेगा, वो भी अंदर जाएगा, राइट? और उसी के तरह 121 का अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध जिसका सजा मृत्यु दंड है। तो अगर मान लीजिए हम आपको कंपेल किए हैं, अगर हम आपको कंपेल किए कि जाके ना जाके आप सेक्शन 121 के अकॉर्डिंग ऑफेंस करो, स्टेट वेजिंग वॉर कीजिए, और वेजिंग वॉर का पनिशमेंट पता है, डेथ सेंटेंस भी है, मृत्यु दंड भी है, तो आप अगर ऐसे अपराध को करते हो और आप कर दिए मजबूरी में, हम आपको कंपेल किए कि आपके पिता को, आपके माता को, आपके वाइफ को, आपके बच्चे को हम कुछ भी कर सकते हैं, आप कर दिए, तो उसके बाद अगर आप कर दिए ऐसे अपराध को, मर्डर या ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट अंडर सेक्शन 121 वेजिंग वॉर वाला, इसका सजा डेथ सेंटेंस है, तो आप करने के बाद कोर्ट में जाके ये बोलोगे कि हम तो जबरदस्ती किए थे, हम मजबूरी में किए थे, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, राइट? तो ये दो एक्सेप्शन है, ये याद रखिएगा। 94 के बाद चले चलो, है ना, रुकना नहीं है लाइफ में, चाहे कुछ हो जाए पुष्पा, मैं रुकेगा नहीं, राइट? तो यहां भी दिख रहा है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट 95 क्या कहता है, एक्ट काउजिंग राइट हार्म। अगर कोई किसी को छुट्टी काट लेता है या किसी को मान लीजिए छोटा सा कट कर दिया, तो क्या, एक बात बताइए, वेरी गुड अभिषेक जी, तो छोटा मोटा अपराध के लिए कोई सजा नहीं होता है। अब कोई किसी को छुट्टी काट लिया, कोई किसी को फूक मार दिया, तो क्या इसके लिए आप कोर्ट जाइएगा? कोई किसी का 25 पैसा चोरी कर लिया, कोई किसी का 1 रुपया चोरी कर लिया, तो कोर्ट थोड़े जाइएगा आप, ठीक है? तो यही होता है सबसे इंपॉर्टेंट, 95 एक्ट काउजिंग स्लाइट हार्म नॉट पनिशेबल, उसका डिफेंस मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इज दैट थिंग्स डन इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने कुछ भी किया अपने आत्मरक्षा में, तो वो अपराध नहीं है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा नहीं। और इस पे 2-3 इंपॉर्टेंट केस है। पहला है अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, कि आपको किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है, आपको उस सर्कमस्टांसिस में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। किस केस में बोला गया, अरुण स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में। उसके बाद नेक्स्ट रामराज शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें बोला गया कि बदला लेने का अधिकार नहीं है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी से तो चल रहा है देव सेजल एडवोकेट जी, उसी से तो चल रहा है, पावर कट है। तो रामराज शुक्ला स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस है ना, रामराज शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस, जिसमें क्या बोला गया कि बदला लेने का अधिकार नहीं है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट? बदला लेने का अधिकार नहीं है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ना, वो बदला लेने का अधिकार नहीं है, रामराज शुक्ला का केस। फिर पम्मी का केस आपको पता ही है कि दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस के विरुद्ध आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थोड़ी हो सकता है। तो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ डिफेंस एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये याद रखिएगा। गुड आफ्टरनून प्रियंका कामले जी, दैट इज यहाँ पे तीन बात, ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेके, राइट? कि कुछ भी किया गया, वट एवर यू हैव डन इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नॉट एन ऑफेंस, किसी परिस्थिति में किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया, तो उस सिचुएशन में आपके पास था कि नहीं था, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट।
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कभी भी बदला लेने के लिए नहीं हो सकता है। रामराज शुक्ला, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द सेल्फ डिफेंस, दैट इस केस में बताया गया था डिफरेंस सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस के बीच में। सेल्फ डिफेंस एक्सक्यूजेबल है क्या? सेल्फ डिफेंस एक्सक्यूजेबल नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस एक्सक्यूजेबल है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब बात राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का हो तो कितना प्रकार का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? तो दो प्रकार का, बॉडी और प्रॉपर्टी को लेकर दो प्रकार का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। फिर 98 कहता है कि आपके पास उन लोगों के खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस है जो कि अनसाउंड माइंड के हैं, जो इंसान हैं, जो इडियट हैं, जो माइनर हैं, है ना, जो मतलब कहने का ये है कि जो इनकैपेबल है बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस, चाहे वो अनसाउंडनेस के कारण हो, चाहे वो माइनॉरिटी के कारण हो, तो उनके खिलाफ, उन लोगों के प्रति भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होता है, राइट? चलिए उसके बाद 98 के बाद 99, एक्ट अगेंस्ट विच देर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, है ना। आपके पास कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जब आपके पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। जैसे अगर बात करें 99 का कि वो परिस्थिति क्या है जब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं हो सकता है, तो ये 99 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? 99 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से समझना पड़ेगा, है ना। सेक्शन 99, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोई प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पहला, अगर पब्लिक ऑफिसर ने, पब्लिक ऑफिसर बोलो या सर्वेंट बोलो, सब एक ही चीज है, किसके अकॉर्डिंग, पब्लिक ऑफिसर ऑन ड्यूटी कोई कार्य किया, उस कार्य से कोई एप्रीहेंशन नहीं हो रहा है, नो एप्रीहेंशन डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, है ना। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दैट दी एक्ट जस्टी फीएबल है कि नहीं है, है ना, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो पब्लिक सर्वेंट ने मान लो कोई कार्य किया ऑन ड्यूटी, और उस कार्य से अगर कोई एप्रीहेंशन नहीं हो रहा है राइज डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जस्टिफिएबल है या नहीं, आपके पास क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? कंगना जी गुड आफ्टरनून, रुकेगा नहीं कंगना जी, वेरी गुड। तो क्या आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? आंसर इज नो। और यहीं पे पब्लिक ऑफिसर के कहने पे कोई अदर पर्सन करे एक्ट, पब्लिक ऑफिसर के कहने पे, पब्लिक सर्वेंट के कहने पे कोई अन्य व्यक्ति करता है एक्ट आपके विरुद्ध, और वो पब्लिक ऑफिसर ने जो निर्देश दिया था अन्य व्यक्ति को, ऑन ड्यूटी दिया था, और उस एक्ट से कोई अप्रीहेंशन नहीं हो रहा डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, और वो फर्क नहीं पड़ता कि वो जस्टिफाइड है या नहीं, तो क्या उस सिचुएशन में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? नहीं है, राइट? उसके बाद अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास समय है कि आप पब्लिक अथॉरिटी का मदद लो, अगर आपके पास समय है कि आप पब्लिक अथॉरिटी का मदद लो, तो क्या आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज कर दीजिएगा? नहीं ना, वेरी गुड। तो आपके पास अगर समय है पब्लिक अथॉरिटी का मदद लेने का, तो आप लीजिए। अगर कोई बोल दिया कि आपका खून करने के लिए मार रहे हैं, तो आप जाइए पुलिस के पास कि आप इंतजार करिएगा बंदूक लेके कि आओ ठोक देंगे, ऐसा नहीं। अगर आपके पास सिचुएशन है पब्लिक अथॉरिटी को मदद लेने का, तो आपको लेना पड़ेगा, और सिर्फ डिफेंस के लिए यूज करोगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को, है ना, नॉट फॉर ऑफेंस। अपराध करने के लिए आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, और वो भी उतना ही जितना जरूरी है, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर कोई आपका नाक छू रहा है ना,
अगर कोई आपका नाक छू के आपको परेशान कर रहा है, अगर कोई आपका नाक छू के आपको परेशान कर रहा है तो आप उसको गोली मार दीजिएगा। जितना जरूरी होगा आपको उतना ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर? तो ये चार सिचुएशन होता है जब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, और ये चारों सिचुएशन आपके दिमाग में घुस गया, उम्मीद करते हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 97 क्लियर है आप लोग का, 98, 99 भी, 97 क्लियर, 98 क्लियर, 99 का चार सिचुएशन क्लियर, फोर सिचुएशंस, चार बात ही है ना इसमें, चारों सिचुएशन क्लियर। अब आगे देखिए सेक्शन 100, सेंचुरी लग गया आप लोग का आज कि कब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो है, आप डेथ भी कर सकते हो किसी का, आप किसी का जान भी ले सकते हो। सात खून माफ, फिल्म देखे है ना, सात खून माफ, सात माफ, तो आप टोटल कितने सिचुएशन में डेथ काउज कर सकते हो ये देखिए समझते हैं, राइट? पहला देखो कि अगर मान लीजिए आपके खिलाफ कोई असॉल्ट किया, आपके खिलाफ, सर डर देर से प्राइवेट डिफेंस नहीं लिया जा सकता है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। जब आपके पास समय है पब्लिक अथॉरिटी का मदद लेने का, तो आपको पब्लिक अथॉरिटी का मदद लेना पड़ेगा, है ना? दीक्षा कुशवाहा जी। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, आगे बढ़ो सेक्शन 100 पे आओ, तो क्या कहता है कि पहला नंबर पॉइंट कि अगर आपके खिलाफ कोई कार्य किया गया, असॉल्ट किया गया, और उससे रीजनेबल अप्रिहेंशन है कि आपकी डेथ हो सकती है, तो फिर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अवेलेबल। लास्ट लास्ट, उसके बाद सेकेंडली, अगर मान लो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ग्रीवियस हर्ट का है, तो क्या ग्रीवियस हर्ट के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है डेथ करने का? तो अगर मान लो एक व्यक्ति अगर आप पे कोई असॉल्ट किया, और उस असॉल्ट से अगर आपको रीजनेबल अप्रिहेंशन हो रहा है डेथ का, ग्रीवियस हर्ट का, तो आप जान ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अगर रेप की बात करें तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना डेथ काउज करने का अगेंस्ट रेप। अगर अगर कोई व्यक्ति अननेचुरल लस्ट के ऑफेंस को कर रहा है, तो आपके खिलाफ आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि डेथ कर सकते हो आप उसका। अगर किडनैपिंग हो रही है, एबडक्शन हो रहा है, तो उस ऑफेंस के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप जान ले सकते हो। सिक्स नंबर इज दैट कि अगर मान लीजिए रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, और वो भी वो सिचुएशन में कि जहां पे पब्लिक अथॉरिटी का मदद ही नहीं लिया जा सकता व्यक्ति के द्वारा खुद को रिलीज करने के लिए, तो फिर उस असॉल्ट के खिलाफ भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप डेथ काउच कर सकते हो, राइट? वेरी गुड। हाँ, उसके बाद जी नंबर पॉइंट इज दैट कि एसिड अटैक, अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ, आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ एसिड फेंक रहा है, एसिड फेंकने का प्रयास कर रहा है, तो भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप उसका डेथ काउच कर सकते हो। तो टोटल कितना सिचुएशन है जब आपका डेथ काउच करने का अधिकार दिया गया आपको? तो टोटल यहां आप देखो, टोटल यहां होगी आपके पास पहला अगेंस्ट डेथ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है किसी का डेथ करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को लेकर डेथ काउच करने का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, रेप अननेचुरल लस्ट के अपराध के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, किडनैपिंग एबडक्शन को लेकर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है टू काउज डेथ, रॉन्गफुली कन्फाइन अगर किया गया किसी व्यक्ति को उस तरीके से कि पब्लिक अथॉरिटी का मदद ही नहीं ले सकता है वो खुद को वहां से रिलीज करने के लिए, तो वो डेथ काउज कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। वेरी गुड। एंड देन एट द लास्ट कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास है, एसिड अटैक हुआ या प्रयास किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आप डेथ काउच कर सकते हो। तो टोटल देर आर 7 सर्कमस्टांसेस अंडर विच यू कैन यूज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू काउज डेथ ऑफ द असॉल्टेंट, टू काउज डेथ ऑफ द असॉल्टर, राइट? हाँ, वेरी गुड। अभिषेक शुक्ला जी, 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जेएस वर्मा कमिटी रिकमेंड, वेरी गुड। ये ना हुआ, हर जगह रिविजन होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो हम लोगों ने कहां तक डिस्कस कर लिया, सेंचुरी लग गया ना हम लोग का, क्लैपिंग कर दो यार, सेंचुरी मार दी है हम लोग डिटेल में, सेंचुरी हो गया हम लोग का, शतक हो गया, शतक हो गया। चलिए
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट मजा आ रहा है तो वीडियो को जो लोग लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर देना आप लोग, राइट। तो सेक्शन 100 तक किए विदाउट असॉल्ट अटेम्प्ट भी हुआ ना तो उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। जीवन जी साफ तौर पे लिख रहा है एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्टरिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर, तो अटेम्प्ट के रिस्पेक्ट में भी आप डेथ काउच कर सकते हो। जीवन जी, जीवन जी समझ आया, वेरी गुड, ठोक दो लाइक इसी बात में फटाफट, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा इस बात को, हर ग्रुप में बस एक बात हम आपको बोलेंगे, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि इस मंथ ही आप लोग का 8-7 पेपर हो जाएगा खत्म लगातार। सुबह में क्लास हम YouTube पे ही लेंगे अभी और आपके हर सब्जेक्ट को क्लियर आउट कर देंगे, राइट, वेरी गुड। हाँ तो आज की कार्रवाई यहां तक ही रहने देते हैं, ठीक है, मजा आया ना सभी को, तो शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, हर जगह फैला दीजिए इसको आग की तरह कि सब बच्चों को हेल्प हो सके, क्योंकि पूरा का पूरा बच्चा कोई भी नहीं पढ़ पाता है, किसी भी कारण से वो नहीं पढ़ पाता है पूरा का पूरा सेगमेंट, और मेरा उद्देश्य ही जीवन का बन चुका है कि हम हर लॉ को पूरा पढ़ा देंगे, पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, है ना, चाहे कुछ हो जाए। तो आज की कार्रवाई को हम लोग करते हैं यहां तक ही, राइट, आज की कार्रवाई यहां तक ही रखते हैं। अब कल नेक्स्ट सेगमेंट टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाना, लिंक आपको दिख रहा है ना ऊपर में टेलीग्राम ग्रुप का, कमेंट में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा। और हाँ, अगर आप मेरे अनअकैडमी के क्लास को करना चाहते हो ना, अनअकैडमी के क्लास को करना चाहते हो अगर लाइव, अगर अनअकैडमी पे भी क्लास मेरी होती है ना, तो अनअकैडमी के लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, फ्री स्पेशल क्लास अगर करना चाहते हैं आप लोग, तो करना कुछ भी नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा अनअकैडमी का मेरा प्रोफाइल लिंक, राइट, अनअकैडमी का आपको प्रोफाइल लिंक दिख जाएगा मेरा, अगर आप करना चाहते हैं मेरे स्पेशल क्लासेस को अनअकैडमी पे, तो आपको प्रोफाइल लिंक दिखेगा या आप डायरेक्टली जुड़ सकते हो मेरे साथ, आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू, अनअकैडमी के क्लासेस को कर सकते हो, तो अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लेना फटाफट जो लोग नहीं किए हैं। और ये क्लास अभी सुबह वाली क्लास वो अभी चलेगी, सुबह वाली क्लास जो है वो अभी चलेगी, आपको यूट्यूब पे ही चलेगी, राइट, एक बार। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हम आपको दे चुके हैं, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको दिख जाएगा, मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक आपको दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए करते हैं समाप्त, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए। अब कल ठीक इसी समय, कल ठीक इसी समय, बड़े ध्यान से सुनिए, कल ठीक इसी समय हम लोग फिर मुलाकात करेंगे सुबह 10:30 ऑन यूट्यूब, ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कल फिर से हम लोग मिलेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल 10:30 फिर मुलाकात होगी हमारी।